अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? और वालेकुम अस्सलाम जिन लोगों ने यहाँ पर ग्रीटिंग्स लिखी हुई हैं। आप में से जो लोग इस वक्त तक ऑनलाइन आ चुके हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आप में से कितने लोग ऑनलाइन हैं। इसके अलावा आप में से जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है फाइवर की, वो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। ठीक है वसीम इकबाल, आपने मुझे दोबारा से याद कराना है जब लेक्चर ख़त्म होने वाला होगा, यानी कि 12:15 के करीब करीब। जिन लोगों ने फ्रीलांसर की प्रोफाइल बना ली है वो भी अपने साथ साथ प्रोफाइल सबमिट करवाते जाएं, और जिन लोगों ने अभी तक फाइवर की सबमिट नहीं करवाई है प्रोफाइल, वो प्रोफाइल जब वो सबमिट करवा दें। हमारी जो मंथली मीटिंग होती है तो उसके अंदर यही बात डिस्कस हो रही थी हेड ऑफिस के साथ, कि उन्हें तो कि वही कह रहे थे कि आपके भी स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है, हम उनको किस बेस के ऊपर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दें। तो इसलिए आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि अगर उन्होंने प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई तो हम उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमने ये डाटा जो है वो आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना होता है, और हमारे पास आपकी प्रोफाइल ही हम शो करवा सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आपने वाकई में इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। क्योंकि जब आपने कोई आउटपुट ही नहीं दिया होगा तो हम उनको क्या चीज़ शो कराएंगे। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट करवा दें यहाँ पर, ताकि आपको कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट दे दिया जाए। नुमान जान, आपने फ्राइडे का लेक्चर जाकर देखें, क्वेश्चन बैंकिंग्स बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएं। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से जो लोग ऑनलाइन हैं इन तमाम लोगों ने ही करवाई हुई है। शुरू में मैसेज देने का मकसद ये है कि वो लोग जो इस लेक्चर को बाद में देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेज होती हैं, तो शुरू में रिमाइंडर देने का मकसद यही है कि वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की क्लासेस ले रहे हैं तो उनके पास वो इस लेक्चर को बाद में देखेंगे, तो डेफिनेटली उनको ये मैसेज पहुंच जाए ताकि वो आखिर में फिर ये ना कहें कि हमें सर्टिफिकेट क्यों दे दिया गया, क्यों नहीं दिया, या हमें क्यों ई रोज़गार से डी इनरोल कर दिया गया हमेशा के लिए, और हम फ्यूचर में कोई प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं ई रोज़गार की, हम उनकी लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कोवर्किंग स्पेस। तो प्रॉपरली मैसेज उन लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के नाम भी ऑलमोस्ट मुझे याद हो गए, तकरीबन आप तमाम लोगों ने ही प्रोफाइल सबमिट करवा दिए। ठीक है, इन केस अगर आपका कोई क्लास फेलो उसके अंदर है और आप उसे जानते हैं उसने प्रोफाइल सबमिट करवाई है तो आप उसको बता सकते हैं, और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और ठीक है, अभी तक वसीम इकबाल का ही क्वेश्चन आया। एनीवेज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बल्कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर देते हैं, बल्कि रुके हम लोग फेसबुक मार्केटिंग पढ़ते ही नहीं है, हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ते हैं। चलें फेसबुक मार्केटिंग, इसको मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है जी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या होता है और ट्विटर वगैरह के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करेंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है वगैरह वगैरह। अली रज़ा जाफ़ी, अच्छा
अलीरजा जाफ़ी, आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई भी है क्या? सर मेरी प्रोफाइल 50% होती है, मैंने सबमिट कर दिया था फ्रीलांसर। सर अपनी प्रोफाइल अगर आप शीट में सबमिट करा देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट बिल्कुल, अगर सर्टिफिकेट लेने का मकसद ही यही है, किसने पूछा है, साजिद नज़ीर, कि जब आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आप डेफिनेटली हमारी जो लैब है आपके शहर के अंदर जो खुली हुई है, आप उसको एज अ को वर्किंग स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। को वर्किंग स्पेस से क्या मुराद है? को वर्किंग स्पेस से मुराद ये है कि अगर आपके पास घर में लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए, तो आप इसको सारा कुछ जो है हमारी लैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमारी लैब प्रॉपरली बनी भी है, अगर आप में से किसी ने विजिट किया हो, प्रॉपरली एसी लैब है हमारी, उसमें लैपटॉप है, हाई क्वालिटी इंटरनेट है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पर हमारी लैब को यूज़ कर सकते हैं, एज अ अपने ऑफिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और ठीक है, वो तकरीबन, और ये सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है सर्टिफिकेट लेने का, कि किस्म की आपकी एंट्री है कि आप फ्री में किसी भी हमारी लैब के अंदर जाकर बैठ सकते हैं और अपने आप इसे एज अ क्या कह सकते हैं, एज अपना ये ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट थी मोमिना हमीद? मुझे नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट थी, मेरे जहन में ही नहीं है। एस ओ क्लर्क की बात ना हो रही हो शायद। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि ये कोर्स का तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो ही रहा होगा, नई स्किल सीखें, लेकिन इससे जो सबसे मज़े की बात यह है कि आपको लाइफ टाइम की जो है वो परमिशन मिल जाती है, आप हमारी लैब्स को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली जो है उसे एज अपनी ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, SEO टेस्ट टाइप। हाँ जी, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ, जैसे जुहेब इकबाल और कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रह गए थे। मैं आमतौर पे जो संडे को जो है आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको आंसर नहीं करता हूँ, और मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि संडे को एज अ छुट्टी बनाया करें, 24 घंटे काम ज़रूर करना है। एनीवेज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर इन तमाम क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ और फिर मैं आपके साथ जो है आगे बात करूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जुहेब इकबाल का आ रहा है, वो टेस्ट शुरू करते हैं तो उनके पास एरर आ रहा होता है। तो जुहेब, आपने ऑलरेडी ये टेस्ट पहले दिया था, आपका पास नहीं हुआ तो इसलिए आपके पास ये एरर आ रहा है। अगर आपने इसे एक दफ़ा फेल कर लिया है तो आप 24 घंटे के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने इसको 2 बार फेल कर लिया है तो आपका जो है 3 महीने के बाद इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ट्रिक यही है कि पहले अपने गिग को ऐसा गिग जिसके लिए वो टेस्ट मांग रहा है, पहले उस गिग को किसी सब कैटेगरी में पब्लिश कर दें, और जब वो पब्लिश हो जाए तो उसको उसकी रिक्वायर्ड कैटेगरी के अंदर पब्लिश कर दें। और इसके ऊपर जो है एक स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रॉपरली वीडियो भी बना के लगाई थी, आप उस ग्रुप में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अमारा अंसारी का क्वेश्चन है, सर मैंने 2 जीमेल अकाउंट बना भी अगेन अगेन साइन हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐड मी फास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो एक आईपी से एक ही अकाउंट लगाता है, ठीक है। इवन उन्होंने मेरा भी कोई 10 साल पुराना अकाउंट बैन कर दिया था, इसलिए क्योंकि एक ही आईपी से एक और स्टूडेंट ने लॉग इन कर दिया था। तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप उसको दोबारा से बनाइए, ऐसा ना करें कि 2 अकाउंट बनाकर उसको एड मी फास्ट के ऊपर चलाएं, ठीक है। उसके बाद क्या एक्सप्रेस में बिल्कुल मोहम्मद इमरान भट्टा, आप सब कुछ चला सकते हैं, जो जो आपने लोगों ने आपने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की अपनी वेबसाइट के ऊपर, एक वक्त के अंदर ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, एडसेंस भी चला सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अमेजोन के जरिए या एड्रास्ट के जरिए, ठीक है। उसके अलावा इमरान भुट्टा ने लिखा है, वर्डप्रेस पर एजुकेशन क्रिएट करने की मेरे बचपन से शौक है। अच्छा, आपके बचपन में वर्डप्रेस होता था क्या? इस तरह हो सकता है कि मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर नोट्स और पीडीएफ अपलोड करूं? बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आप वहां पे जो नोट्स और पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं वो इलीगल ना हो। इलीगल से मुराद ये है कि आपको बाद में आगे कोई ये ना कह दे कि ये बंदा हमारे नोट्स या हमारे पीडीएफ जो है वो चोरी करके अपनी वेबसाइट पर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला मैंने आंसर कर दिया था, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है मारा अंसारी तो अपने फॉरगेट पासवर्ड पर जाएं और वहां पर जाके नया पासवर्ड ले लें, ठीक है। हमजा हमजा सही, आप दोनों चीज़ें के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बैकलिंक के ऊपर भी, सोशल मीडिया सोशल सिग्नल के ऊपर भी। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सोशल सिग्नल क्योंकि ये इजी भी है और इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोशल सिग्नल कह रहे, सोशल सिग्नल पे ही रिलाय करो। हो सकता है कि आपका जो कंपटीटर है वो बैकलिंक्स बना रहा हो, तो आपको फिर डेफिनेटली उसको बीट करने के लिए बैकलिंक्स के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है।
ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं वसीम इकबाल का जो क्वेश्चन है इसको ज़रा डिटेल में आंसर कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। प्राइवेट प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क, आप लोगों ने इसका नाम शायद किस पे सुना होगा, आप लोगों ने इसका नाम फाइवर की शायद बाय रिक्वेस्ट वगैरह में सुना हो। वैसे तो जहाँ तक मुझे मालूम है फाइवर ने प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क या पीबीएन को रिसेंटली बैन किया हुआ, यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग कोई भी बंदा जो है प्राइवेट पीबीएन की जो है वो सर्विस को सेल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्यूचर में आपके साथ काम आ सकती है। ठीक है, ठीक है कमर शहजाद, आपका क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क क्या होता है? ये टोटली जो है गेस्ट पोस्ट की तरह से होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क ये होता है कि जो आप जो बंदा प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क की सर्विस ऑफर कर रहा होता है उसके पास एक या दो ब्लॉग नहीं होते, बल्कि उसके पास क्या होता है 10, 15, 20 ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके जरिए आमतौर पे वो लिंक व्हील बनाता है। लिंक व्हील से क्या मुराद है? लिंक व्हील से मुराद ये है, मैं अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, वहां पे आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ कि लिंक व्हील क्या चीज होती है। ठीक है, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क ऑलमोस्ट सेम जो है वो किस तरह का होता है? सेम गेस्ट पोस्ट की तरह से होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि आप जिससे सर्विस ले रहे होते हैं वो तमाम के तमाम ब्लॉग्स का ऑनर एक ही बंदा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बंदा होता है तो डेफिनेटली उसके पास ईजी एक्सेस होता है तमाम के तमाम जगहों पे अपनी किसी भी बिजनेस की गेस्ट पोस्ट करने का, और एकदम बल्क में जो है वो आपकी गेस्ट पोस्ट जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉग से ऊपर पब्लिश होती है। ठीक है, आमतौर पे वो क्या करते हैं, वो लिंक व्हील बनाता है। लिंक व्हील से क्या मुराद है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये उसके ब्लॉग्स के हैं, ये उसके ब्लॉग्स हैं। ठीक है, अच्छा जो लिंक व्हील है ना ये आप इसके ऊपर ही बना सकते हैं, जो हम लोगों ने वेब 2.0 पढ़ी थी और आमतौर पे उसी के ऊपर ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको मजीद स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स चाहिए तो आप क्या कर रहे होते हो, फिर आप पीबीएन के जरिए बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ मैंने जो सर्कल्स बनाए हैं आप लोग सपोज कर लें कि ये एक एक अलग अलग ब्लॉग है। ठीक है, समझ आ गई है? यानी कि ये ब्लॉग नंबर 1 है, वो ब्लॉग नंबर 2 है, फिर वो 3 है, वो 4 है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? यहाँ पे जो मैं आपके सामने सर्कल्स बना रहा हूँ ये क्या है, आप इन्हें सपोज कर लें कि ये ब्लॉग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ब्लॉग 1 है, ब्लॉग 2 है। ठीक है, मैं सबके ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको आई होप समझ आ गया होगा कि तमाम के तमाम क्या चीज है, ये ब्लॉग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पीबीएन के जरिए आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं? पीबीएन के जरिए आमतौर पे जो ब्लॉग्स के ओनर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। आपस में कनेक्ट क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो एक गेस्ट पोस्ट लिखते हैं ब्लॉग नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन वेबसाइट भी क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का सर्कल नजर आ रहा है, सपोज कर लें कि ये आपकी मेन वेबसाइट है जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी जो रेड कलर की वेबसाइट है ये गूगल के ऊपर रैंक हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पीबीएन के अंदर आमतौर पे क्या हो रहा होता है, लिंक व्हील क्रिएट हो रहा होता है। वैसे तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, लिंक व्हील जो ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर है तो मैंने सोचा आपको लिंक व्हील से समझा दूँ। पैरामीटर के नाम से भी पॉपुलर है, एक सेम इसी तरह की चीज़ है। ठीक है, तो क्या है ये समझिए, तमाम के तमाम ब्लॉग में वो क्या कहते हैं, तमाम के तमाम ब्लॉग्स के ऊपर जो है वो मेन वेबसाइट के बारे में पोस्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चलिए खोल एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग समझ लें, जो आपके पास गेस्ट पोस्ट के लिए जो ब्लॉग नजर आ रहे हैं ना, समझें ये आपकी रेड कलर जो है ना ये एक बिल्डिंग है, और ये जो इसके ब्लॉग नजर आ रहे हैं ये इसकी वो है। बिल्डिंग बनाते हुए क्या बात करते हैं, सबसे पहले जो नीचे ईंटे रखते हैं उसको क्या कहते हैं, ये उसकी बुनियादें हैं। ठीक है, ये समझ आ गई है? सपोज कर लें रेड कलर जो है वो एक बिल्डिंग है, और ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये उसकी बुनियाद है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रेड कलर जो है यानी कि बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आप क्या करोगे, आप उसकी बुनियादों को क्या करोगे, कोशिश करोगे कि वो भी स्ट्रांग हो। यानी कि बिल्डिंग की अगर बुनियादें स्ट्रांग होती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग जो है वो क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हर ब्लॉग के ऊपर एक एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसका लिंक कहाँ पे कर देते हैं, मेन वेबसाइट के साथ। ठीक है, यानी कि उन्होंने ब्लॉग 2 के ऊपर पोस्ट लिखी, फिर उसको कर दिया मेन वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? एक तो ये तरीका है। ठीक है,
यानी कि आपकी जो मेन वेबसाइट है उसको बहुत सारे प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क के जरिए क्या मिल रहे होते हैं, बैक लिंक्स मिल रहे होते हैं। नंबर 1 2 क्या, ये नंबर 1 था। नंबर 2 क्या है, इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करते हैं, इन ब्लॉग्स को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि ब्लॉग 1 के ऊपर जो आर्टिकल है उसका एक लिंक जाएगा मेन वेबसाइट के ऊपर, दूसरा लिंक कहाँ पे जाएगा, ब्लॉग 2 पे। इसी तरह ब्लॉग 2 पे जो आर्टिकल है उसका एक लिंक जाएगा मेन वेबसाइट के ऊपर, दूसरा लिंक कहाँ जाएगा, ब्लॉग 3 पे। और इसी तरह 3 के बाद 4 पे और मेन वेबसाइट पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को? ठीक है, जब ये सारे के सारे ब्लॉग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये मजीद एक दूसरे से रेलिवेंट हो जाएंगे और गूगल के पास काफी अच्छा एक सिग्नल जाएगा कि वेबसाइट को जो बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो आपस में भी कनेक्टेड है। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मेन वेबसाइट को बैकलिंक मिल जाएगा, उसकी रैंकिंग होगी। दूसरा क्या होगा, आपकी जो बुनियादें हैं आप लोग नोट करें, इनको भी तो मिल रहा है ना बैकलिंक। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग 2 है, इसको भी तो ब्लॉग 1 बैकलिंक दे रहा है। इसी तरह ब्लॉग 3 को ब्लॉग 2 बैकलिंक दे रहा है। तो इसलिए इस तरह से क्या होगा, आपके बैकलिंक्स के भी बैकलिंक्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और जब बैकलिंक्स के भी बैकलिंक्स क्रिएट होंगे तो आपकी जो मेन चीज है जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई थोड़ी सी, केपीबीएन के जरिए किस तरह से लिंक भी क्रिएट किया जाता है और उसका फायदा क्या होता है। अच्छा, ये वाली स्ट्रेटेजी जब आप करते हैं तो इससे काफी स्पीड से जो है ना आपकी जो वेबसाइट है वो बूस्ट होती है, स्पेशली अगर हम लोग पीबीएन की बात करें। जरूरी नहीं है कि आप इस लिंक बिल क्रिएट करने के लिए पीबीएन लिखें, आप क्या कर सकते हो इसके लिए वेब 2 पॉइंट, जो वेबसाइट हम लोगों ने पढ़ी थी वेब 2.02, आप उनको भी यूज कर सकते हो। क्या ख्याल है, उनको भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो वो है ना, उधर से भी तो आप फ्री के ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए क्या करो, ब्लॉग्स ही यूज करो। आप लोग जो ये वाले ब्लॉग्स हैं वो क्या कर सकते हो, वेब 2.0 के जरिए भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आमतौर पे जो लिंक व्हील होता है वो वेब 2.0 के जरिए ही क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ब्लॉग के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पीबीएन क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डोमेन्स परचेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक बेसिक लिंक व्हील था। अगर आप गूगल करते हो एडवांस लिंक व्हील को तो आपके पास मजीद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि एक लिंक व्हील को मजीद किस तरह से इनहेंस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अभी मैंने आपको लिंक व्हील बनाना सिखाया है वो ये वाला है। ठीक है, ये उसने किसके जरिए बनाया हुआ है, वेब 2.0 के जरिए बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बन के ऊपर गेस्ट पोस्ट की उसका मेन साइट की। ठीक है, इस ये वाली चीज क्या है, वेब 2 पॉइंट के जरिए बनाया हुआ है उसने लिंक व्हील। ठीक है, इस इमेज की समझ आ रही है सब लोगों को, ये सेम वही इमेज है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसने यहाँ पे वेब 2.0 के जरिए बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जरा एडवांस लिंक व्हील की बात करें तो ये थोड़ा सा ये तो बहुत खतरनाक सा बन गया, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एडवांस की बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन से देखें जो उसका मेन छोटे वाला, ये जो मेन उसका बैक लिंक व्हील बना हुआ है ये इसने वेब 2.0 के जरिए बनाया हुआ है, फिर इसको मजीद एक्सटेंड किया है। मजीद एक्सटेंड क्या किया है उसने, जो ये वाले ब्लॉग है ना इनका भी अलग अलग लिंक व्हील बना लिया है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे मेन साइट का बैक लिंक व्हील बनाया था ना, इसने आगे मजीद एक्सटेंड क्या किया है कि ये जो ब्लॉग्स उसने यूज किए हैं लिंक व्हील क्रिएट करने के लिए, मजीद उसने क्या कर लिया, उसके भी लिंक व्हील क्रिएट करना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर उसने उसको मजीद क्या किया है, मजीद उसने जो लिंक व्हील के लिए ब्लॉग या वेब 2.0 यूज की थी उसको उसने सोशल बुक मार्किंग की है। ठीक है, उसकी आर्टिकल सबमिशन की है, उसकी उसने आर्टिकल सबमिशन किए, इमेज के थ्रू उसने बैक लिंक्स क्रिएट किए हैं, वीडियो के थ्रू बैक लिंक किए हैं। यानी कि मकसद ये है कि इसके अंदर लिंक बिल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट के बैक लिंक क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग किसके बैक लिंक क्रिएट करते हैं, हम लोग अपने बैक लिंक्स के भी बैक लिंक्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारे बैक लिंक्स जितने स्ट्रांग होंगे उनकी डीए और पीए उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर पड़ेगा और इस तरह से हमारी वेबसाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी।
ठीक है, लिंक मील बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसको एक दफा कॉपी पेंसिल के ऊपर बना लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिंक व्हील बने हुए नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने पहले खुद से कॉपी पेंसिल के ऊपर बनाया है ताकि वो उसको प्रॉपरली कर सके। ठीक है, इसी तरह एक लिंक व्हील ये बना हुआ है, इसने पांच पांच वेबसाइट्स के लिंक व्हील क्रिएट किए हैं, फिर इन तमाम वेबसाइट को उसने किसके साथ किए कनेक्ट, मेन वेबसाइट के साथ किए। तो आप क्या करें, आप गूगल के ऊपर जाएं, एडवांस लिंक व्हील को सर्च करें, और आपके पास ये जो इमेजेस नजर आ रहे हैं, जब आप इनको खुद से देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी इन तमाम चीजों को समझने में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं, इसके अंदर कोई चीज मिस तो नहीं कर दी मैंने? बाकी मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन, वसीम इकबाल, हम लोगों ने एससीओ ऑडिट के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर किया हुआ, ठीक है, उन पे जैसे जब हम लोगों ने खत्म की थी तो मैंने आपको एससीओ ऑडिट के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि एससीओ ऑडिट की रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट होती है। ऐसे जो लिंक व्हील है, ये एससीओ की स्ट्रेटेजी है, जिससे मैंने आपके साथ एक जुमे को स्ट्रेटेजी शेयर की थी। इसी तरह कुछ लोग जो है इस तरह से लिंक व्हील के थ्रू अपने वेबसाइट को रैंक करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या मुराद है? सोशल मीडिया से मार्केटिंग से मुराद यह है प्रमोटिंग अ बिजनेस। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे बिजनेस लिख रहा हूँ तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस हो, वो एक वेबसाइट भी हो सकती है, वो आपका ब्लॉग भी हो सकता है, वो आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसकी ऑनलाइन प्रेफरेंस हो। ठीक है, प्रमोटिंग अ बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, और कौन सी होती है, इंस्टाग्राम होती है, ठीक है, स्नैपचैट भी हो सकती है, और इवन पिंटरेस्ट भी हो सकती है, ठीक है, यूट्यूब भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम जब मार्केटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद फिर मैं अपना लेक्चर जो है मुसलसल शुरू करता जाऊंगा। सर आपने नहीं है, प्लीज आंसर में, सर कुछ मेरे फॉलोअर्स को ग्रुप में शो नहीं हो रहा, क्या उनको निकाल दिया? उनके साथ आप ये ग्रुप का लिंक शेयर करें। अगर उनका दो तरीके हैं उनको चेक करने का कि क्या वो इस ग्रुप का हिस्सा है कि नहीं है, एक तो यहाँ पे मेंबर्स वाली ऑप्शन है, वहां पर जाएं, उनका नाम सर्च करें, अगर उनका नाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली उन लोगों को ग्रुप से निकाल दिया गया है। दूसरा तरीका यह है कि आप उनके साथ इस ग्रुप का यूआरएल शेयर करें, यानी कि इस ग्रुप का लिंक शेयर करें। अगर उनके पास ये ओपन होता है तो इसका मतलब है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है, अगर उनके पास ये ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उनको निकाल दिया गया। ठीक है, व्हाट्सएप जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, व्हाट्सएप जो है वो एक मैसेंजर है। ठीक है, इसी तरह टिकटॉक, हाँ टिकटॉक को हम ले सकते हैं, डेफिनेटली टिकटॉक को हम ले सकते हैं। और क्या लिखा है, इट शुड बी अ बुक, इट शुड बी अ बुक, क्या मतलब? हाँ इट, हाँ बिल्कुल, बुक भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको आपने प्रमोट करना है, बुक, मूवी, रेस्टोरेंट, और क्या चीजें होती हैं, इवन क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन भी हो सकती है, यानी कि अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करें। हाँ डेफिनेटली टिकटॉक पे एड्स नहीं आती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे होते हैं, हम लोग उनको पे करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा टिकटॉकर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। टिकटॉकर्स की आमतौर पर जो अर्निंग होती है वो 3 से 4 लाख रुपए तक होती है, अगर हम लोग पॉपुलर टिकटॉकर्स की बात करें। हर डेफिनेटली हर टिकटॉकर तो नहीं कमा रहा होता, जिसके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं और जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है उसकी आमतौर पे जो अर्निंग होती है वो 3 से 4 लाख रुपए होती है, बल्कि कुछ टिकटॉकर्स तो ऐसे भी हैं जो 10-10 लाख रुपए भी पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं वीडियोज क्रिएट करके, फनी वीडियोज क्रिएट करके, या म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोज वगैरह क्रिएट करके। हाँ बिल्कुल, तमाम ट्रेनर्स की शक्लें नजर आ रही होती हैं। एनीवेज, हम लोग आए वापस। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या मुराद है कि हम लोग किसी भी बिजनेस, और अगेन से मेंशन कर रहा हूँ, बिजनेस से मुराद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है, अमेजोन की
दराज की कोई प्रोडक्ट भी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, बुक हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, एक पॉलिटिकल कैंपेन भी हो सकती है। बल्कि आप लोगों ने नोट किया होगा जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उन तमाम लोगों ने फेसबुक को यूज़ किया था, ट्विटर को यूज़ किया था अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनकी कैंपेन जो है फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर देखी होंगी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि हमें वोट दो, ठीक है। उन्होंने अपने इवन काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने तो अपने जलसे जुलूस भी क्या किए थे, ऑनलाइन किए थे, क्योंकि 2018 के अंदर मेरे ख्याल से पाबंदी थी जलसे जुलूस करने में। तो उन्होंने क्या किया था, फेसबुक और ट्विटर को यूज किया था। और अगर हम लोग बात करें इसकी, बात करें ओबामा की बात करें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप में से किसी ने ओबामा को स्टडी किया है, तो ओबामा जो इलेक्शन जीता था उसके पीछे जो मेन रीजन था वो थी उसकी सोशल मीडिया कैंपेन। इसी तरह अगर हम लोग बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो मेन रीजन था जिसकी वजह से वो इलेक्शन विन किया था उसने अमेरिका का, तो वो था सोशल मीडिया मार्केटिंग, और स्पेशली उन लोगों ने उसमें फेसबुक और यूट्यूब को उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एक किस्म की गेम चेंजर है अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों यूज करेंगे, हम लोग टीवी को यूज क्यों नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, टीवी की बात हो गई या न्यूज़पेपर की बात होगी या रेडियो की बात होगी या फिर रोड के ऊपर जो बैनर लगाए हुए होते हैं, आखिर हम उसको छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता ऐसा नहीं बल्कि जो है तमाम इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है। सर जी मैं ठीक है जी। अच्छा, मैं आप लोग के अब यहाँ पे क्वेश्चंस रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने लेक्चर के ऊपर फोकस करना है, और मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगा, ठीक है। और मैं इसलिए क्वेश्चन वाली विंडो ही बंद कर देता हूँ ताकि मुझे आपके क्वेश्चन नजर ना और मैं डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। एनीवेज, आप लोग क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ पॉपुलर सोशल मीडिया कैंपेन की बात करूँ तो उसके अंदर जो इस वक्त लीडिंग है वो ओबामा की है और ट्रंप की है, ठीक है। उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग की और अपने इलेक्शन विन किए। अगर हम लोग ट्रंप की बात करें, ट्रंप के ऊपर तो बाकायदा मुकदमा भी हुआ था बाद में कि इसने फेसबुक का डाटा अपनी कैंपेन के लिए इलीगल तरीके से यूज किया था रशिया में सेल करके उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोग सोशल मीडिया को जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर क्यों है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर क्यों है, तो उसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मुराद ये है टीवी की एड हो गई और क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर हो गया या फिर रोड्स के ऊपर जो बैनर लगे होते हैं, ठीक है, पैनाफ्लेक्स वगैरह, उससे बेहतर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें जो सबसे मेन बेनिफिट है ना वो ये है कि आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, यू कैन कंट्रोल योर बजट। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड लगाते हो ना या टीवी के ऊपर ऐड लगाते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपसे पूरी की पूरी ऐड के पैसे लेते हैं। यानी कि वो ये कह देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने हम टीवी के ऊपर अपनी ऐड चलानी है तो वो कहते हैं कि हम टीवी को हर दिन फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोग देखते हैं, तो वो आपसे कितने लोगों के पैसे लेंगे, वो आपसे 10 लाख लोगों के पैसे लेंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि हम आपका मैसेज 10 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। बजट एंड अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, इसी तरह लोग अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात करें तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल न्यूज़ डॉन न्यूज़ जो है वो हर दिन 1 लाख लोग परचेज करते हैं मुल्तान के अंदर, तो हम आपसे डेफिनेटली आपकी ऐड हर न्यूज़पेपर के ऊपर जाएगी, तो हम आपके कितने पैसे लेंगे, हम आपसे 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों के मुताबिक आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसे होती है, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया से पे इस तरह से मार्केटिंग नहीं होती है। वो आपको ये नहीं कहते हैं, आप उनको ये नहीं कहते हैं कि मैंने मुल्तान के लोगों को अपनी ऐड दिखानी है तो मुझे इसका चार्ज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि वो क्या कहते हैं, हम आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ का चार्ज करेंगे जो कि आपकी टारगेट मार्केट है। टारगेट मार्केट से क्या मुराद है, टारगेट ऑडियंस से क्या मुराद है, मसलन ये है कि चले यहाँ पे मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझें, एक ये टीवी के ऊपर ऐड चली है और दूसरी ऐड चली है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। एक आपकी ऐड चल रही है
टीवी के ऊपर, और दूसरी आपकी ऐड चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक फेसबुक के ऊपर चल रही है, ठीक है? तो टीवी वाले आपसे क्या करेंगे, टीवी वाले आपसे कहेंगे हमारा टीवी चैनल इतने लोग देखते हैं, आप हमें इसके हिसाब से पे करो, ठीक है? लेकिन फेसबुक आपसे ऐसा नहीं कहेगी। फेसबुक आपसे क्या कहेगी, फेसबुक आपसे कहेगी मैं आपसे जब भी पैसे चार्ज करूंगी, जब आपकी जो एड है उन लोगों तक पहुंच जाए जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। मकसद क्या है, मकसद अगर आपने टीवी के ऊपर आईफोन, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आईफोन को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, और आप क्या करोगे, हम टीवी को उसके पैसे दे दोगे कि हमारी एड जो है वहाँ इतने बजे चला देना आईफोन की, तो हम टीवी आपसे उससे पैसे ले लेगा। लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं करेगा, क्या करेगा, हम टीवी जो है वो आपकी एड हर बंदे को दिखाएगा। हर बंदे से क्या मुराद है, वो आपकी एड उन लोगों को भी दिखाएगा जो आईफोन परचेज नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो आपकी एड उन लोगों को भी दिखाएगा जो आईफोन के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, वो आपकी एड बच्चों को भी दिखाएगा जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आईफोन परचेज कर सकें, ठीक है, वो आपकी एड यानी कि हर हर किस्म के हर तबके को दिखाएगा। यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पैसे जाया हो रहे हैं। पैसे जाया कैसे हो रहे हैं, जब वो लोग जो आपकी आपका आईफोन परचेज ही नहीं कर सकते हैं तो उनको ऐड दिखाने को कोई फायदा है, क्या ख्याल है, ठीक है? या फिर मैं आपसे ये कह लूं कि हम और लोग ई रोजगार की मार्केटिंग करने के लिए स्कूल में जाएं, ठीक है, हमें पता है कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो ई रोजगार के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो हमारी तो टाइम और पैसा जाया हो जाएगा ना। इस बात से कितने लोग मुत्तफिक होते हैं कि अगर हम लोग अपनी ई रोजगार की मार्केटिंग के लिए स्कूल में जाने लग जाएं तो क्या ख्याल है, हमारा टाइम भी जाया होगा और हमारे पैसे भी जाया होंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल के बच्चे ई रोजगार के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सेम यही वाला सीन कहाँ पे होता है, टीवी की एड के ऊपर होता है, ठीक है, हमारी एड हर किस्म हर तबके को दिखाई जाती है और हमें उसके हिसाब से पैसे हमसे पैसे लिए जाते हैं। हर तबके से क्या मुराद है, हमारी एड उन लोगों को भी दिखाई जाती है जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारी एड उन लोगों को भी दिखाई जाती है जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर शायद इंटरेस्टेड ना हो लेकिन उनके पास इतने पैसे ही ना हो, ठीक है, और हमारी एड उन लोगों को भी दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको हम टीवी देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ उसके ऊपर हम टीवी के ऊपर एड आ रही होती है, हम मार्ट की एड आ रही होती है, ठीक है, और जबकि हम मार्ट वो एड जो पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आ रही होती है जो जो बंदा हम टीवी देख रहा होता है, लेकिन इन द एंड वो क्या कह रहे होते हैं कि ये वाली सर्विस सिर्फ कराची के लोगों के लिए है, ठीक है, यानी कि उन्होंने पूरी दुनिया उनके लिए पूरी दुनिया मार्केटिंग के लिए पैसे तो दिए लेकिन उनका जो कस्टमर था वो सिर्फ कहाँ पर था, वो सिर्फ जो है वो कराची के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो टीवी के अंदर ये होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि हम लोग अपनी अपना जो टारगेट कस्टमर होता है ना उस तक हमें हमें पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर ऐसा नहीं होता, फेसबुक आपसे पैसे उसी वक्त चार्ज करती है जब आपकी एड उस बंदे तक पहुंच जाए जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर वाकई में ही इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर आपने 1 लाख लोगों यानी कि टीवी के जरिए अगर 1 लाख लोगों तक आपकी एड पहुंची है तो आपसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चार्ज होंगे, ठीक है, और हमें नहीं पता उसमें से सिर्फ 1% जो है लोग वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो। लेकिन फेसबुक के ऊपर क्या होता है, फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ट्विटर वगैरह के ऊपर आपकी एड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो कि वाकई में ही आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग आईफोन को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारी ऐड सिर्फ उन लोगों तक जाएगी जो लोग आईफोन यूज करते हैं या आईफोन से रिलेटेड चीजों को सर्च करते हैं या उन्होंने फेसबुक के ऊपर आईफोन से रिलेटेड फेसबुक लाइक किए हुए हैं या वो आईफोन की प्राइस को चेक करते हैं या वो आईफोन का जो लाइव इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग वहां पे ये भी चीज सेट कर सकते हैं कि हमारी ऐड सिर्फ उन लोगों तक जाए जिनके पास इतने पैसे हों जो हमारे आईफोन को परचेज कर सकें, ठीक है। अब ये चीज सोशल मीडिया को कैसे पता चलती है, सोशल मीडिया को एक चीज पता चलती है आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन से। फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ने लिखा होता है वो डॉक्टर है, अकाउंटेंट ने लिखा होता है वो अकाउंटेंट है, फलां जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे वहाँ फेसबुक क्या करते हैं वहां से डेटा उठाता है कि अगर ये बंदा डॉक्टर है पाकिस्तान में तो इसकी इतनी सैलरी होगी, अगर इसकी इतनी सैलरी है तो इसका मतलब है कि ये बंदा आईफोन परचेज कर सकता है, तो हम अपनी आईफोन की ऐड है इस बंदे को दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने लिखा है कि वो स्टूडेंट है तो फेसबुक देखेगा ये पाकिस्तान के अंदर बंदा जो है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट को आईफोन की ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह
वो देखेगा कि इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखा होगा ये शेफ है, शेफ की इतनी तनख्वाह होती है, शेफ जो है वो आईफोन को शायद अफोर्ड ना कर सके, तो वो शेफ को क्या करेंगे, आईफोन शो नहीं करवाएंगे, आईफोन की एड शो नहीं करवाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है, थोड़ा डिफरेंस पता चला है कि आखिर जो कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़कर सोशल मीडिया की मार्केटिंग की तरफ किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करते हैं वो हम लोग बाद में बात करेंगे, उसको उसका प्रॉपर हमारे पास लेक्चर है, अभी सिर्फ आप क्या करें थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या मुराद है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट क्या है, हमारे पास कि हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमको क्या कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं यहाँ बजट की बात कर रहा हूँ तो आप फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर सकते हो, मिनिमम $1 की एड रन कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास $1 है मार्केटिंग के लिए तो आप $1 की भी मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, स्नैपचैट के ऊपर, किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हो $1 से भी अपनी मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, लाइक टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो उसके अंदर आप $1 से मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आमतौर पर उनके बजट, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इवन अगर आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी अपनी ऐड को प्रिंट करवाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मिनिमम इतने लाख जो है न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड लगवानी होगी, वरना हम आपकी ऐड को पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप में से कभी किसी को कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो तो उसे आप उसे आइडिया होगा। इसी तरह टीवी के ऊपर अगर आपने ऐड लगानी है तो डेफिनेटली आप सोच भी नहीं सकते हैं कि $1 के अंदर कोई भी टीवी चैनल आपकी ऐड को रन करेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंट्रस्ट, लिंक्डइन, यूट्यूब, तो आप क्या कर सकते हो मिनिमम $1 से भी अपनी ऐड को रन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके पास बजट कंट्रोल में होता है, आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने से ही शुरू कर सकते हो। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा तो मैंने आपको टारगेट, सॉरी दूसरा फायदा मैंने आपको टारगेट ऑडियंस का बता दिया था। ठीक है, टारगेट ऑडियंस से मुराद ये है कि आप अपनी ऐड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिन तक आप अपनी ऐड पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपकी, जैसे कि हम लोग ई रोजगार की जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो हम ऐसे मुंह उठा के पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर देते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम लोग जब फेसबुक के ऊपर एड रन कर रहे होते हैं तो हम वहां पे मेंशन करते हैं कि हमारी ई रोजगार की एड सिर्फ उन लोगों तक जाए जो जिनकी उम्र 35 से कम है, जिन्होंने रिसेंटली मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट या BSc 4 ईयर्स का किया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग स्पेसिफिक किसी सिटी की कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रहीम यार खान को टारगेट करूंगा तो फिर उसके अंदर मैं मेंशन करूंगा कि मेरी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाए जो कि यूनिवर्सिटी से अभी अभी जो है वो पढ़कर फारिग हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डीजी खान को टारगेट करूंगा तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, प्रॉपरली कहूंगा कि मेरी ऐड पूरे डीजी खान को नहीं दिखानी है, मैं हर डीजी खान के हर बंदे को ई रोजगार की ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनकी उम्र 35 साल से कम हो, जिनकी जो स्टडी है वो 16 साल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये अच्छा ये चीजें कैसे करेंगे, टारगेट ऑडियंस के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है तो वो मैं बाद में करूंगा, अभी सिर्फ आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि टारगेट ऑडियंस से क्या मुराद है, कि हम क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी क्या चीज है, तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो अपने कंपेटिटर को देख सकते हो, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट जो है ना सोशल मीडिया का वो यही है कि आप क्या कर सकते हो अपने अपने कंपटीटर को या अपने कंपेटिटर को देख सकते हो। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आप ये देख सकते हो कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीजी खान के अंदर कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल क्या शुरू करने वाले, आप वहाँ पिज्जा पिज्जा की कोई जो है ना रेस्टोरेंट खोलने वाले हो, पिज्जा का रेस्टोरेंट अगर आप डीजी खान में खोलने वाले हो या रहीनिया खान में खोलने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जरिए अपने कंपेटिटर के ऊपर नजर रख सकते हो। कैसे नजर रख सकते हो, जो ऑलरेडी डीजी खान के अंदर या रहीम यार खान के अंदर जो पिज्जे के कैफे हैं, जो भी इसको कहते हैं रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनके फेसबुक पेजेस को चेक कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे क्या कर सकते हो उनके रिव्यूज ले सक देख सकते हो कि वहां पे आखिर फलां रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर क्यों है, आखिर वहां पे ज्यादातर लोग क्यों जा रहे होते हैं पिज्जा खाने के लिए, उसके रिव्यूज कैसे जा रहे हैं,
किस टाइप की डिशेस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ किसी, मुझे फटाफट से डीजी खान के किसी रेस्टोरेंट का नाम बताएं पॉपुलर, डीजी खान के, रहीमिया खान के किसी रेस्टोरेंट का, किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट का नाम बताएं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लें, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंपेटिटर के ऊपर नजर रख सकते हो कि आपका कंपेटिटर ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी सेल ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आपका क्या कर सकते हो, कंपेटिटर के रिव्यू वाला जो सेक्शन होता है आप उसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो कि वहाँ पे कितने लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, कितने लोगों ने जो है वो पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम चीजों कर सकते हो जो के पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास फेसबुक या सोशल मीडिया ना होता है, हमारे पास इंटरनेट ना होता, तो हमारे पास कंपेटिटर के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या कोई पॉसिबल है आपके पास, कोई सोल्यूशन है इस चीज का, विदाउट इंटरनेट क्या आप किसी अपने कंपेटिटर के ऊपर नजर रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, यहाँ पे किसी ने नाम लिखा था इसका, ठीक है। आप देखें ये मेरा कंपेटिटर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिमिलर टाइप का बिजनेस ओपन करने वाला हूँ तो मैं अपने कंपेटिटर एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉपर वर्ड था कंपेटिटर ठीक है, या जो भी इसके स्पेलिंग होते हैं आई डोंट नो यही होता है शायद, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कंपेटिटर एनालिसिस से क्या मुराद है, मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिशेज वो सेल कर रहा है उसकी प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस लोग किस तरह है, यानी कि पर डिश की एवरेज प्राइस क्या है। एक तो मैं ये चीज चेक कर सकता हूँ, दूसरा मैं क्या चीज चेक कर सकता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर सबसे ज्यादा रश किस वक्त होता है, फ्राइडे को होता है, सैटरडे को होता है, फ्राइडे और सैटरडे को सबसे ज्यादा रश होता है रेस्टोरेंट के अंदर। मैं इसको जरा मजीद जूम इन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस रेस्टोरेंट के जो सबसे बेहतरीन दिन होते हैं बिजनेस के वो कौन से होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे होता है, किस वक्त होता है, रात के 8-9 बजे, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, रात के 10 बजे तक इसका जो बिजनेस तो सबसे ज्यादा बूस्ट कर रहा होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे होते हैं वो 9 से 10 बजे के दरमियान आ रहे होते हैं। कोई बताएगा कि फेसबुक को ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल रही है कि 9 से 10 बजे के दरमियान सबसे ज्यादा कस्टमर इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। देखते हैं कौन है वो जीनियस जो ये हमें इसका आंसर देगा कि फेसबुक को कैसे पता चल रहा है कि कौन से दिन सबसे ज्यादा लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मंडे की बात करें तो मंडे को ऑलमोस्ट गिने चुने लोग ही आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फ्राइडे और सैटरडे की बात करें, स्पेशली 9 से 10 बजे की बात करें, तो फेसबुक कह रहा है कि 9 से 10 बजे तक सबसे ज्यादा लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। बिल्कुल हमारे पास जो आंसर आया है वो कमर शहजाद का आया है। वो कैसे आया है, फेसबुक किस तरह से इस चीज को डिडक्ट करता है, वो चेक इन से डिडक्ट करता है, ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि आपके फेसबुक के ऊपर ऑप्शन होती है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ आप उसको चेक इन कर सकते हो, एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरा अगर आप किसी जगह पे किसी जगह पे जा रहे हो तो फेसबुक आपकी लोकेशन को भी डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, सोशल मीडिया के बगैर ये चीज मालूम करना ना मुमकिन सी बात है ना, क्या ख्याल है। हमें नहीं पता चल सकता था कि हमारे कंपिटेटर का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा हम यहाँ पे अपने कंपेटिटर की क्या कह सकते हैं, एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोरोना वायरस के ऐसे कुछ डील्स लगाई हुई है, ठीक है। मैं इसका बेनिफिट, अगर मैं इसका कंपेटिटर हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर टाइप की डील लगाऊंगा, कम पैसों में डील लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आमतौर पे रिव्यू का पोर्शन भी होता है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने, हाँ ये लगा हुआ है रिव्यू का पोर्शन, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसका जो रिव्यू सेक्शन है उसको भी देख सकता हूँ, और यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे आखिर इसको 3.8 क्यों मिला हुआ है, ठीक है। इसको 5 क्यों नहीं मिला है, 5.5 क्यों नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसको नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए हैं मैं उनका बेनिफिट उठा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसी ने यहाँ पे कहा हुआ है कि इनकी सर्विस बहुत स्लो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम अपनी एड रन करूंगा फेसबुक के ऊपर तो मैं इस चीज को मेंशन कर सकता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से ज्यादा फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी माया अली ने एक रिव्यू लिखा हुआ है, नेगेटिव रिव्यू लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इनकी जो डिलीवरी सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका बेनिफिट क्या कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा तो वहां पे मैं डिलीवरी सर्विस को मेंशन कर सकता हूँ कि हमारी डिलीवरी सर्विस हमारे कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम क्या कर सकता हूँ मैं सोशल मीडिया के जरिए,
अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकता हूँ, और अगर आप में से आप कोई बिजनेस का स्टूडेंट है जिसने अकाउंटिंग या फाइनेंस पढ़ी हो या किसी ने एमबीए किया हो, तो उसको पता होगा कि एक बिजनेस की सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो कंपेटिटर एनालिसिस का होता है। यानी कि आप जितनी डिटेल के अंदर अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करके अपने बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आपका बिजनेस उतनी ही स्पीड से बूस्ट करता है। ठीक है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि अब आपके कंपेटिटर की खामियां कौन सी हैं, उसकी अच्छाइयां कौन सी हैं, आप अपने अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर लेकर मार्केट में नहीं आ सकते हो। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। एक तो ये था, उसके अलावा क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप फेसबुक के जरिए, या अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ पे मैं सिर्फ फेसबुक इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक में रन कर रहा हूँ उस वक्त, वरना ये तमाम की तमाम चीजें हम लोग किस पे कर सकते हैं, दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। अगली चीज ये है कि आप अपने बिजनेस को भी काफी एनालिटिक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फेसबुक पेज के ऊपर जाता हूँ, facebook.com/, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक फेसबुक पेज के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जिस तरह से हमारे पास गूगल एनालिटिक्स होता है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गूगल एनालिटिक्स के जरिए अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कौन से कीवर्ड टॉप पर जा रहे हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कौन सा टाइम था जब सबसे ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, कौन सी कंट्री से हमारे पास सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। सेम इसी तरह का अगर हम लोगों ने एनालिटिक्स फेसबुक पेज का देखना है, तो ये वाला एनालिटिक्स सिर्फ उन लोगों को नजर आ रहा होता है जिनके पास, जो फेसबुक के ओनर होते हैं। ठीक है, तो जब अगर आपने अपने बिजनेस का पेज बनाया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे इनसाइट की ऑप्शन होती है। ठीक है, इनसाइट की ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि आप लोग अपने पेज की, अपने बिजनेस की तमाम डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे हिना जरानी ने एक वो लिखा है, बिल्कुल ठीक, बाहर के मुल्कों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगेन से भी इतना ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं है इन चीजों के ऊपर, लेकिन फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली होने वाला है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो बिजनेस है उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर तमाम की तमाम जो है इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर जाऊँ और मैं देखूँ कि मेरी पोस्ट का स्टैट क्या चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे ये बता रहा है कि हफ्ते के वो कौन से दिन होते हैं जब सबसे ज्यादा लोग फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन होते हैं, जिन लोगों ने आपका फेसबुक का पेज लाइक किया हुआ है। ठीक है, कौन सा टाइम बेहतर है जब आपको न्यू पोस्ट करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कह रहा है कि रात के इस वक्त जो है सबसे कम लोग ऑनलाइन होते हैं, तो आपको इस टाइम पोस्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि आपको इस टाइम पोस्ट करनी चाहिए जब सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग दिन की बात करें तो मुझे बता रहा है कि बेस्ट डे कौन सा है और बेस्ट डे कौन सा नहीं है पोस्टिंग करने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पोस्ट टाइप की बात करूंगा तो मुझे ये बताएगा कि फेसबुक के ऊपर पिक्चर पोस्ट करना ज्यादा बेहतर है, वीडियो पोस्ट करना ज्यादा बेहतर है, मुझे इन तमाम की तमाम चीजें आती रहेंगी। ठीक है, ये एक किस्म की वही चीज है जो कि हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखी थी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या हो रहा होता है, वो आपको आपकी वेबसाइट का स्टेटस बता रहा होता है, लेकिन फेसबुक इनसाइट के अंदर वो हमें क्या बता रहा होता है, वो हमें हमारे फेसबुक पेज का बता रहा होता है। तो अगर आप सपोज करें कि अगर आपने अपने बिजनेस का फेसबुक पेज बनाया हुआ है या आपने ब्लॉग का बनाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये तमाम की तमाम चीजें यूज कर सकते हो अपने बिजनेस का एनालिटिक्स एनालिस अपने बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। इसी तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा लोग आपके फेसबुक पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन से शहर में रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, वो मेल ज्यादा मेल है या ज्यादा फीमेल है, आप ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों के बेस के ऊपर अपने कंटेंट को, अपनी मार्केटिंग को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो अगर वो मुझे बता रहा है कि आपकी वेबसाइट, आपके फेसबुक पेज पे आने वाले लोग जो हैं उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और वो उर्दू बोलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम अपने पेज के ऊपर इंग्लिश की जगह उर्दू में पोस्टिंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये तमाम की तमाम चीजें यूज कर सकते हो अपने फेसबुक पेज, अपने बिजनेस के एनालिटिक्स के एनालिसिस के सॉरी इस तमाम एनालिटिक्स को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग को ज्यादा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा चाह रहा है। उसके लिए अगर हम लोग बात करें, सोशल मीडिया क्या है, यूजर्स आर मोर एक्टिव
ठीक है, अगली क्या चीज है कि इस वक्त जो है ज्यादा यूजर जो है वो किसके ऊपर एक्टिव है, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। सोशल मीडिया से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से इस वक्त 53 लोग ऑनलाइन है तो आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर टीवी देखा होगा, खुद से चलाकर टीवी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि टीवी चल रहा है तो आप जाके बैठ गए, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बैठे होंगे उन्होंने टीवी को खुद से चलाया होगा, अपने अपने पसंद का चैनल देखा होगा, ठीक है। लेकिन आप में से तकरीबन तमाम के तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ 2400 दफा फेसबुक को जरूर चेक कर लिया होगा, या अगर आप लोग टिकटॉक के ऊपर हैं तो आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर 24 दफा जो है कम से कम टिकटॉक को देख लिया होगा, या ट्विटर को देख लिया होगा, या इंस्टाग्राम को देख लिया होगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए भी बेहतर है, सोशल मीडिया इसलिए बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कि सोशल मीडिया के ऊपर जो यूजर है वो ज्यादा क्या है एक्टिव है, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो इसलिए हम लोग सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करते हैं। और आपको एक और एग्जाम्पल ही बता दूं, अगर आप लोग नोट कर रहे हो कि सोशल मीडिया के ऊपर अब ज्यादा एड्स आती हैं एज कंपेयर टू टीवी के। फॉर एग्जाम्पल एक जमाना था जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था तो टीवी के ऊपर आप देखते थे कि हर वक्त जो थी थोड़ी थोड़ी देर बाद यू फोन की एड आती रहती थी, ठीक है। और अब यू फोन को कोई 3-4 साल हो गए, यू फोन ने कोई एड ही नहीं बनाई है, कोई देखी है आप लोगों ने यू फोन की कोई नई एड? जैसे वो पहले फनी फनी एड बनाते थे, इतना ज्यादा पैसे पैसे खर्च करते थे उसके अंदर, एक्टर्स को लेते थे, अब यूफोन की कोई ऐसी ऐड ही नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो तो अपनी मार्केटिंग को सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है टीवी के ऊपर जाने की। उन्हें पता है कि मोबाइल पाकिस्तान का मोबाइल का जो यूजर है वो टीवी देखे या ना देखे लेकिन वो फेसबुक के ऊपर जरूर आएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से जाके इस लेक्चर को देख लें, मैंने काफी डिटेल में बताई है, आप तो इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। इसी तरह काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी कंपनीज हैं, उन लोगों ने क्या किया है आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीवी की एड्स को मुकम्मल तौर पर बंद करना शुरू कर दी है, ठीक है। या जैसे कि नेस्कैफे की बात कर लें, ठीक है, नेस्कैफे की तो मेरे ख्याल से कोई एड ही नहीं आती अब टीवी के ऊपर। बहुत सारी बिजनेस जो है उन लोगों ने टीवी के ऊपर अपनी एड को खत्म कर लिया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें पॉलिटिक्स की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात कर लें तो वो क्या कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस भी क्या कर रहे होते हैं, उनकी टीवी के ऊपर अब कोई गिनी चुनी एड्स आ रही होती हैं, उनकी जो मेन एड्स अब कहाँ पे रन हो रही होती हैं, उनकी जो मेन एड्स हैं वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता ही मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले 2-3 सालों के अंदर हमें टीवी के ऊपर बहुत कम एड नजर आए, जिस तरह से हमें रेडियो के ऊपर सिर्फ किसान से रिलेटेड एड्स नजर आते हैं। अगर आप कोई रेडियो सुनता हो या किसी गाड़ी में बैठे हो वहां पे रेडियो चल रहा हो तो आप लोग नोट करेंगे उसके अंदर किस टाइप की एड्स आ रही होती हैं, आमतौर पे उसके ऊपर जो एड्स आ रही होती हैं वो तमाम की तमाम किसान से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें पता है कि किसान जो है वो अभी तक रेडियो सुनते हैं, ठीक है। ज्यादा एड्स डेफिनेटली किस पे आ रही हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हम लोग वन बाय वन हर दिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पढ़ेंगे, जैसे कि एक दिन फेसबुक को पढ़ेंगे, फेसबुक के ऊपर किस तरह से बिजनेस प्रमोट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। फिर हम लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर को वगैरह को इस तरह से वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। आज के लेक्चर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मकसद था कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने फटाफट से बतानी है। वो ये है कि अगर आपके पास एक बिजनेस आता है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे मैंने एक पॉलिटिशियन को प्रमोट करना है, पॉलिटिशियन के ही स्पेलिंग होते हैं पॉलिटिशियन, यही होता है, ठीक है। एक बंदा आता है वो कहता है कि मैंने अपने पॉलिटिशियन को एक पॉलिटिशियन कैंपेन हम लोगों ने रन करनी है, तो आप उन्हें बताएं कि कौन सा सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा बेहतर है। एक आता है वो कहता है मैंने फैशन को प्रमोट करना है, तो मुझे वो बताएगा अगर एक पॉलिटिशियन आपका कस्टमर बनता है तो वो कहता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करो, तो आप पॉलिटिशियन की ऐड किस किस के ऊपर रन करेंगे? जरा कोई बताएगा? एक सपोज कर लें कि कल इलेक्शन होने वाला है और इमरान खान आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरी जरा कैंपेन रन कर दो, तो आप उसके लिए कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क यूज कौन सी वेबसाइट यूज करेंगे? ठीक है, सैयद गिलानी ने कहा फेसबुक करेंगे, साइम वकास ने कहा ट्विटर करेंगे। डेफिनेटली हम लोग फेसबुक नहीं, हम लोग ट्विटर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि
क्योंकि अगर आप में से कोई ट्विटर यूज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए ट्विटर जो है ज्यादा पॉलिटिकल लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, करंट अफेयर के अंदर इंटरेस्ट होता है, वो किसको कर रहे होते हैं, वो ट्विटर को यूज कर रहे होते हैं, वो फेसबुक को नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि दुनिया के अंदर जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको कोई मैसेज डिलीवर करना होता है तो वो फेसबुक के जरिए कभी नहीं करते हैं, वो किसके जरिए कर रहे होते हैं, वो ट्विटर के जरिए कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने न्यूज के अंदर भी देखा होगा कि वो कह रहे होते हैं फलां पॉलिटिशियन ने फलां ट्वीट कर दिया, फलां पॉलिटिशियन ने फलां ट्वीट क्यों कर दिया, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो फेसबुक के जरिए उन्होंने कोई मैसेज दुनिया तक पहुंचाया, ठीक है। अगर हम लोग फैशन की बात करें तो डेफिनेटली हम लोग किसको चूज करेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आमतौर पर आपको ये फैशन के इन्फ्लुएंसर मिल रहे होते हैं। फैशन इन्फ्लुएंसर कौन से होते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम करेंगे, म्यूजिक के लिए हम लोग किसको करेंगे, म्यूजिक के लिए किसको करेंगे, जरा ये तो बताएं। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोग फेसबुक को मेंशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूं फेसबुक जो है वो एक किस्म का ऑलराउंडर है, ठीक है, वो इतना क्योंकि उसके ऊपर हर किस्म का ट्रैफिक है तो इसलिए हम उसको किसी स्पेसिफिक उसके लिए यूज नहीं कर सकते। म्यूजिक के लिए किसको करेंगे हम लोग, कोई बताएगा? एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक सिंगर है, उसने एक नया सॉन्ग निकाला है, ठीक है, एक सिंगर है, उसने क्या किया है, उसने एक नया सॉन्ग रिलीज किया है, ठीक है, वो आपके पास आए कहते हैं कि जरा मेरे म्यूजिक को वायरल कर दो, वायरल से क्या मुराद है, हर जगह पहुंचा दो। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यूट्यूब को यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टिकटॉक को, ठीक है, हम लोग यूट्यूब को यूज नहीं करेंगे, हम लोग टिकटॉक को यूज करेंगे। और मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि टिकटॉक की बहुत ज्यादा एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। वैसे तो मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि इंडिया के अंदर जितनी भी मूवीज रिलीज होती है ना, उसका जो म्यूजिक रिलीज होता है, वो अपने म्यूजिक रिलीज से पहले अपना जो म्यूजिक है वो किसको देते हैं, अपना म्यूजिक वो टिकटॉकर्स को देते हैं, जो इंडिया के पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं उनको वो बकायदा हायर करते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपने हमारे जो म्यूजिक रिलीज होने वाला है, रिलीज हो गया, आपने उसके ऊपर वीडियोस बनानी है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से अगर कोई यहाँ पे ड्रामास देखते हैं तो ARY का काफी ड्रामा, पॉपुलर ड्रामा था दो बोल के नाम से, किसने सुना उसका नाम, सैयद हकीम गिलानी, कोई इशू नहीं अगर गलत हो रहे हैं तो सीखेंगे, गलत गलत जो आप देंगे तो ही आपको सही सीखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मुझे काफी ज्यादा पॉपुलर पता है इस एग्जाम्पल की, टिकटॉक के जरिए एक ड्रामा था ARY का, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उन्होंने उसको टिकटॉक के जरूर ही पॉपुलर किया था, ठीक है। ARY के ऊपर कोई एक ड्रामा आया था दो बोल के नाम से, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले सोचा कि हम लोग इसकी मशहूरी चलाते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम लोग चलाते हैं इसको ट्विटर के टिकटॉक के जरिए चलाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो टिकटॉकर्स हैं जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने उन तमाम लोगों को हायर किया, ठीक है, हायर से मुराद ये है कि उन तमाम लोगों को मैसेज किया उनको और उनको कहा कि आपने हमारे जो ड्रामे का टाइटल सॉन्ग है आपने उसके ऊपर वीडियोस क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि ड्रामा तो पाकिस्तान का था लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ड्रामे को पॉपुलर करने के लिए यूट्यूब को भी वो यूज कर सकते थे, इवन वो अपने ARY के चैनल को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग टिकटॉक को यूज करेंगे, ठीक है। जोएब इकबाल, आपका जो आंसर है ये मैं सोशल मीडिया का जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसके अंदर दूंगा, क्योंकि जब तक हमें सोशल मीडिया की समझ नहीं आएगी हमें उसके इन्फ्लुएंसर तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप सब लोगों को कि म्यूजिक की मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जितनी भी मूवीज रिलीज होती हैं तो वो उसकी प्रमोशन जो है वो किस तरह से कर रहे होते हैं, वो उसकी प्रमोशन टिकटॉक के जरिए कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकायदा अब तो वो उसके कॉन्टेस्ट भी रन करते हैं कि आपने टिकटॉक के ऊपर हमारी जो न्यू मूवी आने वाली है उसको उसके ऊपर टिकटॉक की वीडियोज क्रिएट करनी है। निम्रा चौधरी, जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर यूज करते हैं, अगर आपको भी फॉलो कर रहे हो तो इमरान खान की फॉर एग्जांपल, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इमरान खान की अगर हम लोग एग्जांपल कर ले लेते हैं
तो इमरान खान फेसबुक के ऊपर कभी भी कोई मैसेज नहीं करता है, बल्कि उसके जो ऑफिशियल मैसेजेस जो उसने पूरी दुनिया तक पहुंचाने होते हैं उसके लिए वो ट्विटर यूज कर रहा होता है। ठीक है, डेफिनेटली ट्विटर, अगर टिकटॉक जो अगर इंडिया के अंदर बैन हुआ है तो उससे काफी ज्यादा जो लोग हैं उनकी इनकम जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, बल्कि उन्होंने इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के बैन के अगेंस्ट क्या किया है, अभी रिसेंटली कैंपेन भी रन की है कि ये क्या मजाक है, टिकटॉक से हम लोग अर्निंग कर रहे थे, तुम लोगों ने टिकटॉक को ही बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद आपको ये था, ये वाली एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि हम लोग अपने बिजनेस की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन जो है वो टिकटॉक को यूज नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि टिकटॉक के ऊपर जो है वो नॉन सीरियस लोग होते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है वो फेसबुक को भी यूज कर सकता है, लेकिन उसे पता है कि ट्विटर के ऊपर जो यूजर है वो एज कंपेयर टू फेसबुक ज्यादा संजीदा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ट्विटर को यूज करेगा। फैशन वाले को पता है कि मुझे पिक्चर्स के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो मैं इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को चूज करता हूँ। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले को पता है कि मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो आमतौर पर ऑडियंस होती है वो फैशन ब्यूटी इस टाइप की चीजों को ही देखने के लिए आ रही होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को? तो मकसद ये था कि आपकी जो बिजनेस है उसकी टाइप डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और इसके लिए आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि फ्यूचर के अंदर आपके पास एक क्लाइंट आए, वो कहे मेरी फैशन की प्रोडक्ट्स है, आप उसको उठा के ट्विटर के ऊपर लगा दो। ठीक है, पैसे भी जाया होंगे और आपको उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया सब लोगों को? हम लोग प्रॉपरली कल फेसबुक के ऊपर और ट्विटर वगैरह के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करते हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद आपको ये था कि फ्यूचर के अंदर अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कोई आप पूछे कि सोशल मीडिया के लोग सोशल मीडिया लोग वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि वो आपसे पूछ सकता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों चूज करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और आप उनको प्रपोजल सेंड कर रहे हैं कि हमें मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करनी चाहिए, तो आप उसको जस्टिफाई कर सको कि हम वहाँ पे बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास कंपेटिटर एनालिसिस की ऑप्शंस हैं, हमें ये पता है कि हमारा जो यूजर है वो ट्रेडिशनल टीवी वगैरह को छोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया होगा। मैं अब आपके कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लोग एसईओ क्लर्क की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल ठीक, दो बोल के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए हिना मानी जो है उसने ये कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था टिकटॉकर्स के लिए और उसकी बेस के ऊपर ये जो था बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके बारे में तो डिटेल में बाद में बात करेंगे, काफी डिटेल टॉपिक है। ठीक है, अभी इमोशनल सॉन्ग सर ट्रम्प भी रोजाना, बिल्कुल ट्रम्प भी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्वीट ही करते हैं। अच्छा सर, अगर हमें एक बुक प्रमोट करनी हो थ्रू ब्लॉगिंग तो हम थ्री पोस्ट वो कर रिलेटेड करेंगे या उस ब्लॉग के, अगर आपने ब्लॉग के जरिए बुक को प्रमोट करना है तो इसके अंदर तो थ्री पोस्ट का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 30 पोस्ट की, 30 पोस्ट की रिक्वायरमेंट एडसेंस के लिए। ठीक है, और एक ब्लॉग के और एक पोस्ट को एक बुक को प्रमोट करने के लिए एक पोस्ट ही काफी है, हमें 30 पोस्ट क्यों जाया करनी है। कॉमन लोगों के लिए टीवी और न्यूज़पेपर नहीं है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, और अभी भी सिर्फ प्रोडक्ट वाले टीवी उसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सारा का सारा ऑडियंस फेसबुक यूज नहीं कर रहे, तो उन्हें इसलिए लिमिटेड जो है वो क्या करनी पड़ती है, टीवी की एड भी चलानी पड़ती है। लेकिन अगले कुछ सालों में टीवी के ऊपर मुकम्मल तौर पर एड्स खत्म हो जाएंगी जिस तरह रेडियो के ऊपर होती है। अच्छा जी, ये कौन है, एसईओ क्लर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, सईद गिलानी, आज का इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना कस्टमर अवतार, ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, बल्कि मैं कस्टमर अवतार ही कल पढ़ाऊंगा, या अगर मेरे पास अगर अभी टाइम हो गया तो मैं आपके कस्टमर अवतार अभी से ही शुरू कर दूंगा। तो कस्टमर अवतार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, अच्छा हम लोग एसईओ क्लर्क की यहाँ बात कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग डेफिनेटली आज ही
उसके ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर जाएंगे, कस्टमर अवतार के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एसईओ क्लर्क की। एसईओ क्लर्क क्या है? एसईओ क्लर्क एक काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, आमतौर पे जो उसकी ऑडियंस है ये है पाकिस्तान, इंडिया और आई थिंक सो बांग्लादेश भी है। एसईओ क्लर्क जो है ये उन लोगों के लिए वेबसाइट, यानी कि आप ये कह सकते हो ये उस बंदे ने बनाई थी एसईओ क्लर्क जिसको फाइवर ने ब्लॉक कर दिया था, या आप ये भी कह सकते हो कि एसईओ क्लर्क के ऊपर वो वाले फ्रीलांसर्स हैं जो कि फाइवर के ऊपर किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? वहां पे वो इलीगल सर्विस सेल कर रहे होते हैं, जैसे कि वहां पे वो असाइनमेंट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे वो रिव्यू सेल कर रहे होते हैं, या वहां पे वो वाली सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं जो कि फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है। तो फाइवर क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो अब उनसे, अब अगर एक बंदा है उसको तो वो सर्विस ही वही सिर्फ सेल कर सकता है जो फाइवर के ऊपर ब्लॉक है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वो किसके ऊपर जा सकता है? वेस्यो क्लर्क के ऊपर जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइवर के ऊपर आप ब्लैक हैट एसईओ सर्विस ऑफर नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आप कहाँ पे जा सकते हो? आप एसईओ क्लर्क के ऊपर जा सकते हो। इन शॉर्ट कि एसईओ क्लर्क उन लोगों के लिए है जो कि फाइवर के ऊपर ब्लॉक हो गए हैं या उनकी सर्विसेज फाइवर के ऊपर इलीगल कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं एसईओ क्लर्क के ऊपर। ये सेम टू सेम कॉपी है फाइवर की, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे फाइवर तो इस तरह का नजर नहीं आता है, तो आपको ये बता दूं जो फाइवर आज से 10 साल पहले लॉन्च हुआ था तो फाइवर का डिजाइन इसी तरह का ही था, फाइवर इसी तरह का ही नजर आता था, ठीक है। आज से 10 साल पहले फाइवर इसी तरह का नजर आता था, तो इन्होंने अपना डिजाइन को उसी तरह का ही रखा हुआ। अब यहाँ पे क्या आप लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं? यहाँ पे अर्न करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि आप एक इसके ऊपर फाइवर की तरह प्रोफाइल बनाएं और अपने गिग्स लगा लें, जैसे कि इन लोगों ने गिग्स लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है, गिग लगाए हुए हैं। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ जो अच्छे अच्छे गिग्स हैं ना, आप इनकी गिग्स की कॉपी फाइवर के ऊपर लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि मैं आपको 80, चलो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाला गिग मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली वेबसाइट आप आउटसोर्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस, ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है मैं आपको 80 यूनिक बैक लिंक्स दूंगा जिसकी डोमेन अथॉरिटी तकरीबन 100 होगी, ठीक है। ये इसने यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन भी किया हुआ है कि मैं आपको 80 बैक लिंक्स दूंगा जिसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी होगी, 100 होगी, और इसने इसके कितने पैसे लगाए हुए हैं, वो कह रहे हैं तमाम का तमाम काम मैं आपको $5 में करके दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेम यही वाला गिग फाइवर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए फाइवर के ऊपर इस तरह के गिग जो होते हैं वो आमतौर पे 50 या 100 डॉलर के लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर डोमेन अथॉरिटी इतनी ज्यादा हो सकती है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये $5 की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप सेम यही वाला गिग उठाएं। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि सेम यही गिग उठाएं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इसका इमेज कॉपी कर लें और इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इमेज, वो सारा कुछ जो है वो आपने खुद से, अपना खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यही वाली सर्विस उठानी है और अपने फाइवर के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। और फाइवर के ऊपर डेफिनेटली आप $5 की नहीं लगाएंगे, यही वाली सर्विस आप फॉर एग्जाम्पल $15 की लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर के अंदर जब आपको कोई फाइवर के ऊपर ऑर्डर करेगा $15 का, तो आप क्या करोगे, $5 का ऑर्डर इसको करोगे, ठीक है, ये आपको काम करके देगा, वही वाला काम आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दोगे। तो आपने कितने पैसे अर्न किए, आपने फिर $10 अर्न किए, ठीक है। और आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ आउटसोर्सिंग की। आपको एक ऑर्डर मिला फाइवर के ऊपर, वो वाला ऑर्डर आपने कहाँ पे कर दिया, एसईओ क्लर्क के ऊपर कर दिया, और एसईओ क्लर्क के ऊपर जो आप जब आपको ऑर्डर डिलीवर हो गया, आपने वो अपने फाइवर के क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, ठीक है। एसईओ क्लर्क वाले को आपने $5 दिए और आपने फाइवर के क्लाइंट से कितने लिए, 15 या 20 डॉलर लिए। ये बात समझ आ गई है कि आप लोग एसईओ क्लर्क को किस तरह से आउटसोर्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नंबर 1 तो ये। दूसरी क्या चीज़ है एसईओ क्लर्क को यूज करने का रीजन, कि एसईओ क्लर्क के ऊपर जो सर्विस फाइवर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल $100 की मिल रही होती है, फाइवर के ऊपर वही वाली सर्विस, सॉरी, जो सर्विस फाइवर के ऊपर आपको $100 की मिल रही होती है, एसईओ क्लर्क के ऊपर आपको वही सर्विस आमतौर पे $5 की मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बात की पीबीएन की, जिसका अभी हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क की। तो ये क्या कर रहा है, ये 50 गेस्ट पोस्ट दे रहा है, 50 गेस्ट नहीं कितनी दे रहा है, सॉरी, ये 3 गेस्ट पोस्ट दे रहा है, ठीक है। कितनी गेस्ट पोस्ट है, बिल्ड 3 परमानेंट होम पेज पीबीएन, यानी कि क्या क्या है,
ये कह रहा है कि मैं आपको 3 बैकलिंक दूंगा गेस्ट पोस्ट वाले, ठीक है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी होगी, $50, 50 से ज्यादा होगी। और कितने में दे रहा है ये, सिर्फ $5 में दे रहा है। ये चीज आप सपोज भी नहीं कर सकते कि फाइबर के ऊपर कोई बंदा इतनी ज्यादा सर्विस सेल करेगा। हम लोगों ने जब गेस्ट पोस्ट पढ़ी थी तो आप लोगों ने देखा था ना कि गेस्ट पोस्ट पाकिस्तानी कितने की सेल कर रहे थे, 5,000, $3,000, 3,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, और वो सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट दे रहे थे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, आपको 3 गेस्ट पोस्ट दे रहा है और कितने पैसे ले रहा है उसके, सिर्फ $5 ले रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सेम यही वाला गिग फाइबर के ऊपर लगा सकते हो, और यहाँ पे इसने $5 लगाया है, आप $50 का लगा दो, ठीक है। और जैसे आपको फाइबर के ऊपर ऑर्डर आएगा, आप उस ऑर्डर को कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, आप वही वाला ऑर्डर SEO क्लर्क के ऊपर करोगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट, ये बंदा आपको ऑर्डर डिलीवर करेगा, आप उसी ऑर्डर को किसको डिलीवर कर दोगे, अपने फाइबर के क्लाइंट को डिलीवर कर दोगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं एक दोबारा से एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्या नाम था उसका, वर्चुअल गर्ल की, ठीक है। मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर की थी वर्चुअल गर्ल की, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने आपके साथ आप एक प्रोफाइल शेयर की थी, ठीक है, सब लोगों को आई होप लोग ये याद होगा। बल्कि ये वाली नहीं, हम लोग गेस्ट पोस्ट की बात करते हैं। हम लोग गेस्ट पोस्ट की बात करते हैं और मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। प्राइस में फर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये इंडियन और पाकिस्तानी हैं, इसलिए इतना फर्क है। ये देखें 40 बैकलिंक्स दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोफाइल शेयर की थी, इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पाकिस्तानी है, ठीक है, 2019 में इसने ज्वाइन किया है। आप लोग देखें ये गेस्ट पोस्ट जो है वो कितने की दे रही है, ये 17,000 की दे रही है, यहाँ पे 10,000 की दे रही है, ये 8,000 की दे रही है, ठीक है। हमें तो ये लग रहा है ना कि ये गेस्ट पोस्ट इसकी अपनी है, जरूरी तो नहीं है इसकी अपनी, हो सकता है कि यहाँ पे जो बंदा इसको ऑर्डर करता हो ये वही वाला ऑर्डर जो है आगे SEO क्लर्क को कर देती हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इसको यहाँ पे 10,000 रुपए का ऑर्डर करता है, आगे वो क्या करती है, इसके पास खुद के पास कोई ब्लॉग नहीं है गेस्ट पोस्ट के लिए, तो वो क्या करती है, इसी गेस्ट पोस्ट को उठाकर SEO क्लर्क के ऊपर से जो है वो क्या कर लेती है, ले लेती है, ठीक है। यानी कि इसको SEO क्लर्क के ऊपर सिर्फ ये $5 पे करती है, और जबकि इसको फाइबर के ऊपर वही ऑर्डर जो है वो $70 का मिल रहा होता है, ठीक है। तो SEO क्लर्क को क्या कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी लोग जो है फाइबर के लिए एज अ वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आउटसोर्सिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से गिग्स के आइडियाज उठा सकते हैं, सेम उसी तरह की सर्विस फाइबर के ऊपर ऑफर करते हैं। और फाइबर के ऊपर जब आपके पास ऑर्डर आए, आप क्या कर लो, SEO क्लर्क के ऊपर उसको ऑर्डर को कर सकते हो, ठीक है जनाब। ये बात समझ आ गई कि SEO क्लर्क को यूज करने का मकसद क्या है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप SEO क्लर्क के ऊपर भी क्या है अकाउंट बना लो। मैंने SEO क्लर्क के ऊपर काफी पहले अकाउंट बनाया था, मुझे यहाँ पे कोई 10-12 ऑर्डर ही आए थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्राइस कम ऑफर होती है तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था, यूज करना कम कर दिया था। बिल्कुल SEO क्लर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें अगर आपने करना है, और इस तरह से ये एक दो चीजें यूज कर सकते हो आप, इसको एज अ आउटसोर्सिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप इसके ऊपर यहाँ पे सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो। नंबर 3 क्या कर सकते हो, आप असल में SEO क्लर्क के जरिए काफी कुछ कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आउटसोर्सिंग कर सकते हो, ठीक है, सेल योर ओन सर्विसेज कर सकते हो, कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी क्रिएट से क्या मुराद है, एक अपनी कंपनी रजिस्टर करो ऑनलाइन, उसकी डोमेन की वेबसाइट बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज लगाओ, वो सर्विसेज अगर आपको कोई बंदा ऑर्डर करे, आप उसको क्या करो, इधर से SEO क्लर्क से आउटसोर्स कर लो, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आपको फेसबुक के ऊपर कुछ ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं, लोगों ने कहा होता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, अगर आपको वो काम करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, SEO क्लर्क पे जाके उसको सर्च कर सकते हो उससे रेलिवेंट काम, और उसको वहां से आउटसोर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो इन केस आप इस SEO क्लर्क से काफी ज्यादा काम कर सकते हो।
बिल्कुल, आप एक ही सर्विस हर जगह पे ऑफर कर सकते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो एसईओ क्लर्क का ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आमतौर पे जो एसईओ क्लर्क के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, ये एंटी फाइवर होते हैं, यानी कि फाइवर के अगेंस्ट होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे इसने $19 का गिग लगाया हुआ है। ठीक है, इंडियन या पाकिस्तानी है ये, आमतौर पे आपको यहाँ पे इंडियन पाकिस्तान। इसने क्या क्या है, शूट योर वेबसाइट इन टू टॉप गूगल रैंक। इसने कहा हुआ है कि अगर आप मुझे सिर्फ $19 देंगे तो मैं आपकी वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक कर दूंगी। ठीक है, तो आप यही वाला गिग जो है फाइवर के ऊपर जाएं, 19 की जगह $1900 का लगा लें। जुहेब इकबाल, आप किस दुनिया में रहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग का तो मैंने इतनी डिटेल में 2 दफा लेक्चर दे दिया है। खालिद मंजूर, मैंने यहाँ पे कभी ऑर्डर नहीं दिया, आप इसके ऊपर अकाउंट बनाए और देखें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज होता है, एटीएम कार्ड यूज होता है, पायनियर्स कार्ड यूज होता है, कौन सा कार्ड यूज होता है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जो है आइडिया दे रहा हूँ कि आप एसईओ क्लर्क को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सबको बात समझ आ गई है, आप एसईओ क्लर्क को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग इसको खत्म करते हैं और हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। ठीक है, मुझे याद आया कि मैंने, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, शुरू जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने सोचा था आपको फेसबुक मार्केटिंग से सिखाऊंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आपको कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाई नहीं है, तो आपको फेसबुक मार्केटिंग तो समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग, चलें कंटेंट मार्केटिंग से पहले मैं आज का लेक्चर जो है वो खत्म करूंगा आपके साथ एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप सब लोगों ने, सब लोगों को पता होगा कोक स्टूडियो का पता होगा। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा कोक स्टूडियो का पता होगा। दूसरी क्या चीज है, नेस्कैफे बेसमेंट का ही पता होगा। ठीक है, इसी तरह पेप्सी बैटल ऑफ पता नहीं क्या नाम है उसका ही पता होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा कि कोक स्टूडियो के अंदर जो कोक कंपनी है कोको कोला की, वो इतने करोड़ों रुपए खर्च करती है, यानी कि सिंगर्स को लाखों रुपए देती है और पता नहीं क्या क्या कर रही होती है, तो उसके अंदर वो कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं कोक स्टूडियो के जरिए? वो अपनी कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होता है अगर हम लोग कोक स्टूडियो की बात करें? ठीक है ना, सब लोगों ने नाम सुना होगा कोक स्टूडियो का, उसके अंदर वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंगर्स को बुला रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट कौन सी प्रमोट कर रहे होते हैं, कोई बताएगा मुझे? चलें भी बता भी दें, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है कि वो म्यूजिक को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे गया आंसर, मैं जरा हाईलाइट करूंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आंसर आया था, ठीक है, यू कैन, सबसे पहले आंसर दिया और डेफिनेटली हमें हाईलाइट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। वो क्या कर रहे होते हैं, उनका कहना है, कहना है, सारा सम इनका कहना है कि वो कोला को प्रमोट कर रहे होते हैं और वो म्यूजिक को कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोक स्टूडियो कभी भी, बल्कि आप सब लोगों ने लिखा है कि वो कोक को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कोक स्टूडियो के अंदर कभी भी कोको कोला ने कोको कोला को प्रमोट नहीं किया है। क्या आपने वहां पे ये देखा है कि वो बता रहे हो कि ये हमारी पेप्सी है, कोको कोला की बोतल है, आप इसको परचेज करें, इसकी प्राइस ये है, फला फला, क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ठीक है, नंबर वन, वो म्यूजिक को प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं, अगर म्यूजिक उससे प्रमोट हो भी जाए तो उससे उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोको कोला जो जो है म्यूजिक उनकी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, कोको कोला की प्रोडक्ट म्यूजिक नहीं है बल्कि कोको कोला ही है, तो अगर उससे म्यूजिक प्रमोट हो भी रहा है तो उससे उन्हें कोको कोला को कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह वो क्या कर रहे होते हैं कोक स्टूडियो वाले, कोक स्टूडियो वाले ना ही अपनी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, ना ही वो म्यूजिक को प्रमोट कर रहे होते हैं, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं, अपने नाम को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके जिसमें क्या है, सब लोगों ने बात की, वो ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। ब्रांड को प्रमोट करने से क्या मुराद है, वो आपको अपना लोगो डिजाइन इतना ज्यादा दिखा रहे होते हैं, वो आपको अपनी रेड कलर की कलर स्कीम इतनी ज्यादा दिखा रहे होते हैं कि वो चीज आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती है, और जब वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती है
और आप जब मार्केट के अंदर कोई सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या चीज़ परचेज कर लेते हो, कोको कोला परचेज कर लेते हो, ठीक है। आप मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे तो पेप्सी कोको कोला में सेम ही कोई मुझे कोई फर्क ही नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ परचेज करने तो मैं बिला साख्ता मेरे मुंह से निकलता है कि मुझे कोको कोला दे दें, ठीक है। क्यों दे दें? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कोको कोला ने इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग की हुई है कि मेरे जहन के अंदर उसका नाम जो है वो एक किस्म का क्या हो गया है, सेब हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँ, आप सब लोग मुझे बताएंगे किस चीज़ का लोगो है, कोई मुझे बताएगा कि किस चीज़ का लोगो है, यानी कि इस लोगो को देखकर, इस चीज़ को देख के आपको क्या चीज़ ख्याल में आती है? अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे, मुझे नहीं पता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डीजी खान वाले बताएं क्या ये क्या चीज है, डीजी खान वाले लोग मुझे बताएं ये क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि डीजी खान के अंदर केएफसी है या नहीं है, लेकिन मैं शर्तन ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग डीजी खान से ऑनलाइन हैं वो उन तमाम लोगों को पता होगा कि ये जो रेस्टोरेंट है ये क्या चीज़ सेल करता है, ऐसी बात है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह मुझे नहीं पता है कि रहीमिया खान के अंदर केएफसी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग रहीमिया खान से या डीजी खान से ऑनलाइन है उन तमाम लोगों को पता होगा कि केएफसी क्या चीज़ है, ये एक रेस्टोरेंट है या नहीं है, ठीक है, और ये क्या चीज़ सेल करते हैं, ऐसी बात है कि नहीं है। मुझे ज़रा फटाफट बताएं, डीजी खान में केएफसी है? मैं खुद ही सर्च कर लेता हूँ, पर चले बताएं क्या डीजी नहीं है ना, देखिए डीजी खान के अंदर केएफसी नहीं है, लेकिन तमाम लोगों को पता है कि केएफसी क्या चीज़ है। तो ये कैसे पता है उनको? उन्हें ये इस तरह से पता है क्योंकि केएफसी ने अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा की हुई है, ठीक है, कि ऐसी जगह जहाँ पर एक प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, तमाम लोगों को पता है उसके बारे में। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग होती है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट, कंटेंट मार्केटिंग की जरा डेफिनेशन अपने जहन के अंदर जानशीन कर लें ताकि आपको हमेशा ये बात याद रहे। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है कि कंपनीज अपनी ब्रांड को या अपनी प्रोडक्ट को कंटेंट के जरिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोक स्टूडियो की बात करूं तो कोक स्टूडियो का कंटेंट क्या है? म्यूजिक है, ठीक है। अगर मैं नेस कैफे बेसमेंट की बात करूं तो नेस कैफे बेसमेंट का जो कंटेंट है वो क्या है? म्यूजिक है। इसी तरह आप लोगों ने एक टीवी के ऊपर एड आ रही होती है, उसकी कैल्शियम की आ रही होती है, फीमेल की एड आ रही होती है, उसके अंदर वो कैल्शियम की कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट करें उसके अंदर वो किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते हैं बल्कि क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ कंटेंट के जरिए लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग सिखा रहे होते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है जिससे तुम्हें फायदा होगा, यानी कि कैल्शियम की प्रोडक्ट है तुम इसे खुद मार्केट में जाके परचेज करो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक एड आती है टीवी के ऊपर नेस्ले की आती है, नेस्ले मिल्क पैक की आती है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं वो मुझे अब याद नहीं आ रही प्रॉपरली, वो बताते हैं कि नेस्ले जो है 5 स्टेप कौन कौन से हैं जिसके जरिए वो दूध को कलेक्ट करता है, फिर उसके उसकी पता नहीं क्या चीज़ होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसको वो डिलीवरी होती है, ठीक है। वो आपको इतनी डिटेल क्यों बता रहे होते हैं? आपको अपनी ब्रांड के साथ या अपनी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप में से नेस कैफे की जो एड है, सॉरी नेस कैफे कह रहा हूँ, नेस्ले मिल्क पैक की जो एड है, अगर आप में से किसी ने देखी हो तो वो क्या कर रहे होते हैं, 5 स्टेप प्रॉपर बता रहे होते हैं कि सबसे पहले हम दूध कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसको पता नहीं बॉयल करते हैं फ्लैट टेम्परेचर पे ताकि उसके जरासीम मर जाए, फिर उसके बाद हम लोग पैकिंग करते हैं, पैकिंग के बाद फिर हम उसकी डिलीवरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसने 200 रुपये का दूध का डब्बा खरीदना है उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे होते हैं? ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ आई? कंटेंट मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है कि आप धर्म से जाके ना अपने कस्टमर को कहते हैं ये प्रोडक्ट है कितनी प्राइस है इसको परचेज कर लो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो दुनिया से खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जो लोग और क्या होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कंपनीज जो है वो कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि
कि टीवी के ऊपर जो एड्स आ रही होती हैं उसके अंदर पता नहीं क्या क्या म्यूजिक हो रहा होता है, स्टोरी स्टोरी उन्होंने बनाई भी होती है, छोटी छोटी एड्स की भी उन्होंने क्या बनाई होती है, स्टोरीज बनाई होती है, जैसे डिटोल की बात कर लें या सर्फ एक्सल की बात कर लें, ठीक है। अब उस स्टोरी का कोई भी ताल्लुक नहीं होता प्रोडक्ट से, लेकिन उन्होंने स्टोरी क्यों बनाई हुई होती है, कस्टमर को इमोशनली अटैच करने के लिए, ठीक है। वो जो उनकी स्टोरी लाइन होती है वो क्या होती है, उनकी वो स्टोरी लाइन इसलिए होती है ताकि कस्टमर जो है वो इमोशनली अटैच हो जाए उनकी प्रोडक्ट के साथ, और फिर उसकी वो चीज़ जो है जहन में जो है वो जानशीन हो जाए, यानी कि जहन नशीन हो जाए उसका, ठीक है। इसी तरह आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वो सर्विस के एड बहुत ज़्यादा चल रही होती है, उनका कोई सॉन्ग है उसके ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं काफी ज्यादा वीडियोस बनी है, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि लोगों के जहन के अंदर, बिल्कुल कमांडो सैफ कार्ड के हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने तो पूरे कार्टून बनाए, वो जो उनके कार्टून क्या चीज है, वो उनका कंटेंट है। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि किसी भी ब्रांड को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए आप क्या यूज कर रहे होते हो, आप लोग कंटेंट यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कंपनीज इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही होती हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, तो उसकी कुछ यहाँ पे वजूहात हैं। नंबर वन क्या है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। नंबर टू क्या है, नंबर टू ये है कि कस्टमर इज नाउ, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कस्टमर जो है वो अब अवेयर है। अवेयर से क्या मुराद है, आज से 10 साल पहले तक जब एक बंदा मार्केट में जाके दूध का डब्बा परचेज करता था, वो बस ऐसे करके परचेज उसकी कीमत को देखता था और उसकी कीमत के बेस के ऊपर क्या कर लेता था, उसको परचेज कर लेता था। लेकिन आज का कस्टमर ऐसा नहीं है, आज का कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो क्या करता है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ता है, वो देखता है कि इसके अंदर विटामिन सी है, क्या इसके अंदर विटामिन डी है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिट मुझे बेनिफिट होगा या भी नहीं होगा, ठीक है। आप में से को शायद आप में से कोई कोई बंदा करता हो इस तरह से, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ, कोई नई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा हूँ तो मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर प्रोटीन कितना है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्या कहीं इसके अंदर इतना ज़्यादा फैट तो नहीं है कि मुझे नुकसान हो जाए, ठीक है। तो पहले का कस्टमर जो था वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था प्रोडक्ट्स के बारे में, पहले वाले कस्टमर्स को इतना नहीं पता होता था कि प्रोटीन क्या चीज़ है, या फैट क्या चीज़ है, या कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, विटामिन सी क्या चीज़ है। लेकिन अब क्या है, अब कस्टमर को पता है इन तमाम चीज़ों का, तो अब कस्टमर प्रोडक्ट को सिर्फ उसकी प्राइस की बेस के ऊपर परचेज नहीं करता है, बल्कि किसकी किस चीज़ के ऊपर परचेज करता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह के, उनकी न्यूट्रिशन लिस्ट वगैरह, जो उसके फीचर्स हैं उसकी बेस पे परचेज कर रहा होता है। सेम इसी तरह जब आप लोग मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली प्राइस जो होती है आपकी सबसे आखिरी चीज़ होती है, उससे पहले आप क्या चेक कर रहे होते हो, मोबाइल के स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर रहे होते हो क्या इसका कैमरा अच्छा है या नहीं है, क्या इसकी मेमोरी अच्छी है या नहीं है, क्या इसकी ग्राफिक कार्ड अच्छा है या नहीं है, ठीक है। प्राइस आप क्या कर रहे होते हो, सबसे आखिर में कंसीडर कर रहे होते हो, ठीक है। पहले इस तरह का कुछ नहीं था, पहले लोगों ने मोबाइल परचेज करना होता था, बस जाके मोबाइल परचेज कर लिया, क्योंकि उन्हें पता होता हमने हमने सिर्फ क्या करनी है, इससे कॉल करनी है। लेकिन आज का कस्टमर काफी ज्यादा अवेयर, उसको अवेयरनेस है, उसने हर चीज को चेक करना है, ठीक है। इवन अगर उसने कोई सोप भी परचेज करना है तो वो भी उसने उसको डिटेल करनी है, ठीक है। बिल्कुल, हमारे आगे जाके जो फनल मार्केटिंग आने वाली है उसके अंदर हमारा अवेयरनेस का पूरा सेक्शन है इंक्लूड, मैं आपको बताऊंगा अवेयरनेस किस किस तरह दी जाती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से जो दुनिया भर के अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और क्या चीज आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि कंटेंट मार्केटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग की मैं आपके साथ कल थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूंगा ताकि आपको मजीद जो है वो बेनिफिट हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस समय नोट में, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं। और अच्छा, आप में से भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीलांसर की प्रोफाइल नहीं बनाई है, तो फटाफट से फ्रीलांसर की प्रोफाइल क्रिएट करें और वो हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। अभी भी क्यों है, हार्डली 70 लोगों ने सबमिट करवाई है।
ये देखें, अच्छा कंटेंट मार्केटिंग का मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा असरात बताता हूँ। जैसे कि साजिद नजीर ने क्या मेंशन किया, कमांडो सेफ गार्ड मेंशन किया, जबकि मार्केटिंग में सैकड़ों दूसरे किस्म के भी जो है वो सोप्स अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने कमांडो सेफ गार्ड क्यों मेंशन किया है, क्योंकि कमांडो सेफ गार्ड ने अपनी कंटेंट मार्केटिंग की है, जिसकी वजह से ये चीज जो है उनके जहन के अंदर बैठ गई, कमांडो सेफ गार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक लाइव एग्जाम्पल देख लिया सर। अगर उसने उसकी ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट, क्या उसके लिए न्यू डायरेक्टरी में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए करके इंग्लिश सबके वेबसाइट बना सकते हैं लाइक? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं नूरुल हक कुरैशी। सर मेरे ब्लॉग का बाउंस रेट बढ़ रहा है, इसको कम कैसे करना है, कोई ट्रिक बताएं? मुझे नहीं पता कि आपका ब्लॉग क्या है, ये कैसे नहीं है, हमने बाउंस रेट के ऊपर एक क्लास ली हुई है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ब्लॉग के ऊपर इतना कंटेंट ही ना हो तो इसलिए बाउंस रेट बढ़ रहा हो। ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं, आप अपने ब्लॉग के कंटेंट को देखें और अगर मेरे साथ अपना स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करेंगे बाउंस रेट का तो मुझे उससे भी आइडिया आ जाएगा। सर मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, बहुत बहुत ऑर्डर नहीं मिला। रिजवान इकबाल, आप क्या बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं? रिजवान इकबाल जरा हमारे साथ जरा शेयर करें, और आपने ये चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं शेयर की, एक मिनट चेक कर लूँ, हो सकता है आपने शेयर की भी हो तो ज़रा मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि क्या आपने हमारे साथ अपनी बाय रिक्वेस्ट शेयर की है ताकि पता चल सके। रिजवाना इकबाल, ठीक है, आपने असाइनमेंट ही शेयर नहीं की, और एटलीस्ट मुझे यहाँ पे नजर नहीं है आपकी असाइनमेंट, तो मुझे कैसे पता होगा कि आपको ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, पता चले आप बाय रिक्वेस्ट के अंदर बाय रिक्वेस्ट सही सेंड कर ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है बाय रिक्वेस्ट के, बल्कि दो लेक्चर दिए हुए हैं, तो जाके चेक करें कि आप कहाँ पे गलती कर रही हैं। हमारे क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का जो सबसे बड़ा एक बंदा है जिसका नाम है साजिद नजीर, ठीक है, जब से लेक्चर नंबर 1 शुरू हुआ है इस बंदे के साथ कोई ना कोई इशू रहा है, कभी टांग आप ही की टांग टूटी हुई है ना, किसकी टूटी हुई है या पता नहीं क्या टूटा है, ये बंदा जब से क्लास नंबर 1 शुरू हुई है ना, इस बंदे के बाद हर चीज का बहाना है। सर आज ये हो गया है, आज ऑपरेशन था, आज यूं हुआ है, अब उनकी 3 दिन से तबियत खराब है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरे जो बाजू है ना, ये लेफ्ट साइड, इसके कितने ऑपरेशन हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 या 6 ऑपरेशन हुए हैं मेरे एक बाजू के। ठीक है, और मुझे पता है कि ऑपरेशन जब होता है तो आपकी कोई जिंदगी इफेक्ट नहीं होती, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन लेक्चर की, तो आपने तो लेट की लेक्चर लेना है या कुछ करना है? बल्कि मुझे अपना टाइम याद आ गया है कि जब तीसरी दफा बाजू टूटा था तो उन दिनों में मेरा इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए हुए थे कि मैं टूटे हुए बाजू के साथ ऑपरेशन, रात को ऑपरेशन हुआ था, सुबह को क्या कहते हैं अपने हॉस्पिटल के रूम के अंदर अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा था, और डॉक्टर ने आके मुझे इतना डांटा था कि तुम आराम करो, तुम काम क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये आप अगर आपने बहाने बनाने हैं ना, अगर आपने ये चीजों को साथ लेकर चलना है, तो आप फिर पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ, साजिद नजीर कोई एक्टिविटी करें, कोई ब्लॉग कुछ तो करें, ये अगर यही लेकर बैठे रहेंगे कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, कल ये हो गया, कब कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं भाई जोहेब इकबाल, मेरे जो है ना बाजू पता नहीं कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ पे चीज भी शेयर करना चाहूंगा, ये मेरे जहन में थी, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ थोड़ी सी आप लोगों को मोटिवेशन ही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी 2 4 दिन पहले इंडियन एक क्या कहते हैं उसको, कोरियोग्राफर कहते हैं जो डांस सिखाते हैं, मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो फोर्थ हो गए, सरोज खान के नाम से कुछ था, तो मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, और मुझे वहां से फिर आइडिया हुआ, सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू नहीं, अगर आप दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, ठीक है, अगर आप उनके इंटरव्यू पढ़ें तो आपको पता चलेगा, या उनके इंटरव्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि उन लोग वो लोग जी यहाँ तक जो कामयाब हुए हैं ना, ऐसा नहीं हुआ है कि उनको सब कुछ बना बनाया प्लेट के अंदर मिल गया था। ठीक है, यानी कि कामयाबी उनके पास प्लेट के अंदर रखी हुई नहीं आई थी, बल्कि उन सब लोगों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। कुछ मैं बल्कि मैं उसी उसी लेडी का ही इंटरव्यू पढ़ रहा था, या बल्कि देख रहा था कि वो बता रही थी कि जब वो क्या थी, वो हिंदू फैमिली से थी, ठीक है, वो पाकिस्तान से इंडिया जब पाकिस्तान जब बना था
तो उनके पेरेंट्स ने इंडिया से सॉरी पाकिस्तान से इंडिया जो थी वो हिजरत की थी, ठीक है। वो मुसलमान तो बाद में हुए थे, उस वक्त वो हिंदू थे। तो बता रहे थे हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था, ठीक है। तो उसने बताया कि मैंने छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की कि लोगों को तो अब लगता है ना कि मैं इतनी ज़्यादा कामयाब हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी ज़िंदगी के जो शुरू के साल है अगर कोई उसको देखे तो लोग शायद इस बात पे यकीन ही नहीं करेंगे कि इतने इतने दिन गुजर जाते थे कि हमारे पास खाने को नहीं होता था, या हमारे पास बहुत गिना चुना खाने को होता था, या हम लोग क्या कहते हैं बाहर से खाना लोगों से मांग के खाते थे, ठीक है। इवन इसी तरह अगर आप लोग बिल गेट की एग्जाम्पल पढ़ें, तो अगर आप में से किसने पढ़ी भी हो कि बिल गेट बहुत गरीब फैमिली से था, वो इतनी गरीब फैमिली से था कि उसके घर में लाइट भी नहीं थी, और वो क्या करता था रोड की जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठ के पढ़ता था। इसी तरह अगर हम लोग मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक ऑनर की बात करें, अगर आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी हो, तो वो भी कोई रिच फैमिली से नहीं आया था, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की बाकायदा उसके ऊपर तो मुकदमे भी हो गए थे छोटी सी उम्र में कि तुमने फेसबुक का डाटा लीक किया है या इस तरह की चीज़ें बात की हैं। या अगर मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करूँ, मेरे जहन में नहीं आ रही है क्या नाम है उसका, बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जितने भी कामयाब लोग हैं आज की जिंदगी, हाँ उसकी शेयर करनी थी मैंने, अमेजोन की शेयर करनी थी, ठीक है। अमेजोन का जो मालिक है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कौन है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा उसका नाम, डी से कुछ है। अमेजोन का जो मालिक है आपको पता होना चाहिए, इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन बंदा जो है ना वो ये है, जेफ बेजोस, ठीक है। ये वाला बंदा है जो क्या है इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन बंदा है, ये दुनिया का पहला बंदा है जिसके पास ट्रिलियंस डॉलर है। वरना आमतौर पे अगर हम लोग बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स के पास बिलियंस डॉलर है, लेकिन जो ये वाला बंदा है ना अमेजोन का जो ओनर है, ये दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज्यादा किया है। तो ये क्या बन गया है, दुनिया का ट्रिलियन बन गया, यानी कि दुनिया में सिर्फ ये वाहिद बंदा है जिसके पास ट्रिलियंस डॉलर है, ठीक है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करो तो आपको पता होगा कि ये अमेजोन शुरू करने से पहले ये एक होटल के अंदर वेटर था, ठीक है। ये वेटरिंग का काम करता था, लोगों से टिप लेता था। तो इसने भी मेहनत की है, तो आप मेहनत कर करके भी ये कहां पे पहुंचे, वो यहां पे पहुंचे। अभी आपको पता होगा कि अमेजोन का जो इसने अपना जो था ना, ये देखें ये वाला बंदा, इसने अपना जो बिजनेस शुरू किया था वो इधर से शुरू किया था। ये इसकी पिक्चर्स हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर पिक्चर है। इसके घर में इवन रूम भी नहीं था प्रॉपरली इसके लिए, तो इसने क्या किया, इसने अपना जो कंप्यूटर था वो अपने घर के गैराज के अंदर सेट कर लिया, ठीक है। इसने अपना बिजनेस यहाँ से शुरू किया था 1997 या 1998 में। ठीक है, तो इसने यहाँ से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज ये क्या है, दुनिया का ट्रिलियन बन चुका है। तो हमें तो यही लगता है ना कि अमेजोन का बंदा बहुत अमीर है, लेकिन कोई भी बंदा उसकी हिस्ट्री पर जब पढ़ने बैठेगा तो पता चलेगा कि इसने कितनी स्ट्रगल की, इसके पास खाने को नहीं होता था, इसने इसे फिर क्या करना पड़ा, इसे फिर जो था होटल के अंदर वेटिंग करनी पड़ी, ठीक है। हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं वसीम इकबाल को थोड़ी सी जो है ना डांट सुनाना चाहता हूँ। हमें आज पता चला है कि वसीम इकबाल जो है दरमियान में लेक्चर जो है वो छोड़ के चला जाता है, ये बंदा, ठीक है। शुरू में लेक्चर अटेंड करता है और बाद में क्या करता है, लेक्चर छोड़ के चला जाता है, ठीक है। इसलिए इस बंदे को यही नहीं पता है कि मैंने यहाँ पे कोई 20 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी एसईओ क्लर्क के ऊपर दे चुका हूँ। बिल्कुल, स्टीव जॉब्स की भी ऐसी एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर से रिलेटेड, फिर मैं एक पोस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वसीम इकबाल की हमें चालाकियां पता चल गई हैं कि ये क्या करता है बंदा, शुरू में इसने लेक्चर को अटेंड किया, क्वेश्चन पूछा और भाग गया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आखिर में बताऊंगा, और आखिर में आके वो कह रहा है कि सर एसईओ क्लर्क शुरू करते हैं, ठीक है। और जबकि एसईओ क्लर्क के ऊपर ऑलरेडी मैं 15 मिनट का बता चुका हूँ कि आप एसईओ क्लर्क को किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए एसईओ क्लर्क को यूज कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए कहा मुस्लिम हिस्ट्री भी ऐसे मिसालों से भरी पड़ी है, मगर हमें कोई शक
सबक नहीं मिलता। ठीक है, अगर मुस्लिम हिस्ट्री ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है तो आप इसके ब्लॉग क्रिएट करें, हमें बताएं कि मुसलमानों ने भी ऐसे काम किए हुए हैं, ताकि हमें पता चल सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम्पल दूँ तो मैं अमेजोन की या मार्क जुकरबर्ग की एग्जाम्पल को बजाय किसी मुसलमान की एग्जाम्पल दूँ। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टर्म एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, हाँ बिल्कुल, एक पेजेस हो सकते हैं।